नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 63 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 74वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस गणतंत्र के बाद ये हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा और भव्य होगा और दिव्य होगा। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है बनासकांठा गुजरात से, और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई शिक्षक ऐसी उपलब्धियाँ, ऐसी असाधारण उपलब्धियाँ हासिल कर ले कि लोग देखते रह जाएं। और जो लोग इस तरह की उपलब्धियां हासिल करते हैं उनके पीछे भी निश्चित रूप से कोई ना कोई शिक्षक ही होता है। तो आज का द टीचर शो इंडिपेंडेंट डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस का स्पेशल एपिसोड है, और आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए बनासकांठा गुजरात से हैं डॉक्टर भावेश पांड्या जी, जो कि पेडागोजिस्ट हैं और बाल साहित्य के विशेषज्ञ हैं। उनका काम अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज करना पड़ा। तो एक शिक्षक की शक्ति क्या है, एक शिक्षक में कितनी संभावनाएं हैं, ये सब हम भावे जी से सुनेंगे आज, उनके अनुभव को जानेंगे, और साथ में ये भी पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि इतने सारे रिकॉर्ड बुक्स में उनका नाम आ गया। उनको ब्रिटिश काउंसिल द्वारा मानद उपाधि भी डॉक्टरेट की दी गई है, तो ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। उनका फेसबुक में अगर आप बायोडाटा आपने पढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। रोज की तरह हमारे साथ इस शो में हमारा साथ देने के लिए, मेरे सहयोग के लिए श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी ऋषिकेश से लाइव हैं, और साथ में आदरणीय श्री गिरीश चंद जोशी जी हैं जो दिल्ली से रोज की तरह हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक CCRT के। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ सर द टीचर शो के स्पेशल एपिसोड में, आपका स्वागत है सबका। सबको नमस्कार, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बधाई सर, सब आपको भी बधाई हो। जय हिंद पांड्या सर, बहुत ही शुभ दिन आज बहुत ही शुभ दिन है, और इस शुभ दिन में आप पूरे देश के शिक्षकों से रूबरू हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि एक आज स्वतंत्रता दिवस है और मुझे ऐसे पवित्र मौके पे, ऐसे अमूल्य मौके पे भारत वर्ष के शिक्षकों के साथ बातचीत करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, और वो मेरे लिए खुशी की बात है। और आपने बताया कि खास एपिसोड है, तो जो खास एपिसोड में मुझे स्थान मिला है उसके लिए मेरी खुशी दोगुनी हो जाती है। और मैं शिक्षक हूँ और मुझे शिक्षा का काम पसंद है, तो शिक्षकों से बात करना तो, और आज के दिन बात करना, वो मेरे लिए गौरवपूर्ण है। और इसके लिए मैं आपका और आपकी संस्था का और सभी मार्गदर्शक साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके आज के इस खास कार्यक्रम में आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया है। और आज का दिन खास है, मेरे लिए भी खास है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और वो कई बार जेल जा चुके हैं, और उनके नाम से आज गुजरात में स्मारक भी है हमारे गाँव में। तो मेरे लिए और भी खुशी की बात है कि ऐसे पवित्र दिन थे जिसपे मेरे फैमिली ने अपनी कुर्बानियां दी है, उसके साथ साथ मैं शिक्षक हूँ और आपके माध्यम से भारतवर्ष के शिक्षकों से मैं आज बातचीत कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। वाह सर वाह। तो हमारे साथ मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी भी, मेरे स्वतंत्रता संग्राम परिवार से है, और बहुगुणा जी और आप दोनों लोग मेरे शो की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं सर आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि देश भर के जो शिक्षक इस शो को देख रहे हैं उन्हें बड़ी उत्सुकता है कल से कि आपका नाम कैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कौन से काम के लिए दर्ज हुआ है, वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर। जी सर, मेरे लिए भी ये बताना अच्छी बात रहेगी कि वैसे तो मैं टीचर हूँ सर, मैं आपको बताऊँ कि मैंने SSC 2 ट्राई में पास की है। जब मैं SSC पढ़ता था, जब मैं स्टूडेंट था, तो मैंने 2 ट्राई देके SSC को पास किया। उसके बाद मैं कार्टूनिस्ट का कोर्स किया, उसके बाद मैंने म्यूजिक का, संगीत विशारद का काम किया, कुछ शेरी नाटक सफदर हाजमी जी, हाल्ले हाजमी जी के आइडिया से काम करने का दिल्ली में मौका मिला। लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं टीचर हूँ, यानी कि मेरे पिताजी टीचर है तो मेरा बच्चा भी टीचर बन जाए। और बाद में लास्ट में मैंने PTC की और मैं टीचर बना। तो जब मेरे पिताजी मुझे स्कूल में छोड़ने आए थे, वो खुश थे कि मैं टीचर हूँ और मेरा बच्चा टीचर बन रहा है। वो मुझे छोड़ने आए मेरे स्कूल में, तो पहले दिन जब वो आए, तो जब हम गए तो उन्होंने मेरे स्कूल के जो हालात थे उनको देखा, और मुझे उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि अगर बेटा तू
इस स्कूल को एक अच्छा देखने लायक बना दे, सबको लगे कि नहीं ये स्कूल है और इसकी पवित्रता है। उस बात को सुनते हुए मैंने पहले दिन यानी कि 1999 में मैंने 12वें महीने में दिसंबर महीने में 99 में मैंने टीचर का जॉब शुरू किया। मैं जिस गांव में था वहाँ 30-40 बच्चे थे, दो टीचर थे, एक मैं था, मेरे अलावा एक टीचर थे। तो होता है था कि जब छुट्टी का बेल पड़ता था तब बच्चे स्कूल में आते थे और जब पढ़ाई का बेल पड़ता था तब बच्चे गांव में भाग के चले जाते थे। 40 बच्चे नाम थे लेकिन आते थे 20-22 बच्चे और वो 22 रेगुलर नहीं थे। तो इस हालात में मैंने सोचा कि पहले बच्चों को इकट्ठा किया जाए, तो मैंने मेरे स्कूल का नाम ही चेंज कर दिया। गवर्नमेंट में उसका नाम रहा जो उसका सही नाम था, लेकिन मैंने स्कूल का नाम, मैं खुद पेंटर था, कार्टूनिस्ट हूँ मैंने बताया, तो मैंने स्कूल का नाम कर दिया गमती निशान। तो गांव वालों को लगा, बच्चों को लगा कि ये गमती निशान क्या है और कैसे चलती है। तो मैं गाना करता, बजाना करता, नाटक करता, पपेट करता, खिलौने बनाता, खिलौनों से खेलता, बच्चों से कई सारे आवाजों अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम उनको खुश रखता। तो जो बच्चे खुश रहते थे वो घर जाके बताते थे कि स्कूल में मजा आया। अब बच्चे तो आने लगे, स्कूल को डेवलप करने लगे, बच्चों ने हम सब ने मेहनत करके उसकी साफ सफाई की, उसका डेवलपमेंट यानी कि जो जंगल था, मैं जंगल विस्तार में काम करता था, जंगल वाला एरिया था, तो वहाँ नदी के किनारे, पहले नदी थी अब तो पानी नहीं है 25-30 साल से, तो वहाँ जंगल था, उसके बीच में हमारा स्कूल था। तो ऐसे समय में जंगल को साफ करते करते स्कूल को बढ़ाते गए और स्कूल का एक कैंपस तय कर लिया और उस कैंपस में हमने अपने आप से इनोवेटिव आइडिया से कुछ ऐसी चीजें खड़ी करके बॉर्डर बना दी कि लगे भी कुछ अच्छा और सबको कोई खेल लगा दिया, कोई गेम लगा दी, कोई चार्ट लगा दिया, कुछ ये लगा दिया और हमारा बॉर्डर तय कर लिया सर। और जब बच्चे आने लगे तो बच्चे तो अब आ गए हैं, लेकिन मुझे सोचना था क्योंकि मैं तो कार्टूनिस्ट था, मैं म्यूजिशियन था, मैं डायरेक्टर था, मैं नाट्यकार था, लेकिन मुझे ये सोचना था कि बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं। तो मैंने पहले मेरे अपने आप से पूछा और पूछा कि उनको क्या आता है वो भी तो तय कर लूं, हो सकता है कि मेरी जानकारी से उनकी जानकारी इसी विषय में और ज्यादा हो सकती है। तो मैंने सब बच्चों से प्यार से, कभी उनको कभी किसी टीचर ने ऐसा पूछा ही नहीं था कि तुम्हारे घर में भैंस है उसमें से कौन सी भैंस ज्यादा दूध देती है, लेकिन मुझे तो दोस्ती करनी थी, उनको रेगुलर बुलाना था, तो मैंने ऐसी तुम्हारे घर में कितनी भैंस है और कौन सी भैंस कितना दूध देती है और वो दूध आप क्या करते हैं, वैसी बातें शुरू की। तो बच्चे मेरे दोस्त बन गए, गमती निशा में गमता समाचार हमने प्रसिद्ध किया। लेकिन इसके दौरान मेरी दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक मुझे एग्जाम देनी थी, इवोल्यूशन होता था, ऑफिसर आते थे, उनको देखते थे, ये सब देखते हुए मुझे बच्चों को पढ़ाना भी था। तो मैंने क्या किया सर कि मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब जाके दूसरी सर मुझे मालूम पड़ा कि ज्यादातर बच्चे संयुक्ताक्षर नहीं पढ़ सकते। मतलब ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसका सीधा मतलब ये है कि संयुक्ताक्षर नहीं पढ़ सकते। तो मैंने मातय कर लिया कि मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं संयुक्ताक्षर का टेंशन ही नहीं दूंगा। तो 5 क्लास की स्कूल थी तो मैंने तय कर लिया कि कहानियां बनाना शुरू किया, गाना बनाना शुरू किया, एक्टिविटीज करवाना शुरू किया जिसमें संयुक्ताक्षर पढ़ना ही नहीं है, बाकी का तो वो पढ़ सकता है। तो वैसे करके शुरू शुरू में सर मैंने 140-150 जैसी कहानियां बनाई और गमती निशान में हम गमता समाचार बनाते थे कि हर हफ्ते बच्चे इकट्ठा होके पूरे गांव में जो भी बातचीत बनी है उस बातचीत को वो लिखेंगे। तो हमारा उद्देश्य था कि वो जानकारी को कैसे भी समझ ले लेकिन उसको अभिव्यक्त करने की उनकी मास्टरी होनी चाहिए लिखने में। तो हमने गमता समाचार एक मैगजीन बनाया और मेरे लिए खुशी की बात है कि 2014 में भारत सरकार ने जो डॉक्यूमेंट बनाया, वैन वी आर यूनिसेफ ने बनाया, उसमें उसका मुख पृष्ठ जो है मेन पेज वो मेरे स्कूल का वो गमता समाचार हमने गुजरात में बनाया था, लेकिन वो गमता समाचार उस बुक के मुख पृष्ठ ऊपर है जो भारत सरकार ने प्रकाशित की है। तो मेरे लिए तो हमारी ऐसी एक्टिविटीज चलती थी और सर मुझे मालूम ये पड़ा कि
बच्चे अगर संयुक्त अक्षर के बगैर दिया हुआ कंटेन या कहानी पढ़ सकते हैं तो उसमें से वो सवाल के जवाब भी लिख के दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही वैसा है संयुक्त अक्षर के बगैर। संयुक्त अक्षर मैंने रखे नहीं, तो मैंने कक्षा एक से पांच की कुल मिला के 40-50 कहानियां बनाई, चित्र वार्ता से लेके मुद्दा पर से आधारित वार्ता तक, और मुद्दा मैं दूंगा और आप कहानी बनाओ तब तक की कहानियों का मैंने 180 का स्लॉट बनाया, और वो सारे बच्चों को मैंने मल्टीग्रेड मल्टी लेवल टीचिंग मेथड में किसी भी कक्षा के बच्चे को वो बुक देता, पहली बुक पूरी करता तो दूसरी बुक लेता, बुक मानी एक कहानी, एक माने कहानी 180 कहानी जाते से पेंटिंग करके बनाई, तो हमारे एक लोकल न्यूज चैनल को और दूरदर्शन को और NDTV को मालूम पड़ा कि SCX स्कूल है, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो तब जाके मुझे IIM में जाने का मौका मिला, IIM अहमदाबाद सेवन, प्रोफेसर विजय शेरीचंद और पद्मश्री अनिल गुप्ता सीधे उससे जुड़ के काम करते हैं जी। उन्होंने 2006 में मेरे इनोवेशन को देखा, तो उस समय जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, जो मुझे सहाय कर रही थी मेरी मेरी काम के बारे में लिखने के लिए, उसको बोलते हैं स्टोरी लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए कि मैंने क्या काम किया है, केस स्टडी लिखने में जो मुझे सहयोग करती थी, जो मेरे लिए अनुवाद करती थी, वो डॉक्टर मैडम गीता चौधरी थी। गीता चौधरी ने बताया कि अगर 180 कहानियां लिखने का आपको इनोवेशन का अवार्ड मिला है, मतलब आप नेशनल रिकॉर्ड के लिए ट्राई कीजिए। तो सर मैंने 2006 में एजुकेशन नेशनल अवार्ड प्राप्त किया IIM के माध्यम से, और 2008 से 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 हर दो साल के बाद मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, और उसके माध्यम से मैंने जो जुड़ाक्षर वगैरह की, आज सर मेरे पास 3226 कहानियां हैं। मेरी कहानियों को अलग अलग न्यूज़पेपर अगर गिने जाए तो कुल मिला के 6 लीजेंड न्यूज़पेपर में उसको स्थान मिला है कहानियों के कॉलम के स्वरूप में। मेरी खुद की लिखी हुई 140 कहानियां है सर, और मैं मेरी बच्चियों से प्यार करता हूँ, तो 143 यानी आई लव यू, इसके आगे मैंने एक भी कहानी नहीं लिखी, इसके आगे मैंने मेरे ब्लॉग पे लिखा है, मेरी वेबसाइट पे। अब मैं किताबें भी नहीं लिख रहा हूँ, नहीं मैंने तो मेरी जो कहानियां थी वो 3238 तक कहानियां सर, और वो वैसे 500 गाने हैं, वो 3200 में से कहानियों में से 1500 कहानियां एनवायरमेंट, मैथ, साइंस, उससे जुड़े गूगल से जुड़े, हिस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे बातें, जो कुल मिला के 5-6 सब्जेक्ट को हमारी NCF कहती है कि उसके बाद NCF आया, मैं तो 2000 की बात कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेट करना एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करना, तो मैंने तो जो बच्चा 5वीं किताब पढ़ सकता है उसको इतना मालूम है, इतना आता है, ऐसा तय करने के लिए किताबें बनाई 180, और उन 180 किताबों पर सर मुझे लिम्का रिकॉर्ड मिला 2008 में, और आप जैसे साथियों की और मार्गदर्शकों की दुआ से वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच पाया मैं, और मेरे इस काम को देखते हुए मुझे ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो ऐसे एजुकेशन के और किसी रिसर्च बेस्ड काम के आधार पर जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन से है, जो हॉनररी डॉक्टरेट देते हैं सर, और उन्होंने मुझे हॉनररी डॉक्टरेट दिया है, और 2016 से मैं भावेश पंड्या में से डॉक्टर भावेश पंड्या हूँ ना, मुझे लिखना पड़ता है लेकिन मुझे भावेश पंड्या पसंद है, लेकिन डॉक्टर है और कुछ साथी जानते हैं तो डॉक्टर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर लिखूं, तो मैं लिखता हूँ, कभी कभार लिखता हूँ, और आज तो दूसरी सर का नाम सुना और बहुगुणा जी का नाम सुना तो मैंने तय कर लिया कि आज तो डॉक्टर लिखना ही है, क्योंकि वो दोनों मेरे लिए कहीं ना कहीं, आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आप दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सर अभ्यास कर चुका हूँ, आपसे काम कर चुका हूँ, दूसरी सर को तो मैंने पूरे एक दिन तक हाथ मेरे करा है, तो सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसके बाद IIM के एजुकेशन इनोवेशन के विंग 7 का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, जो पूरे भारत वर्ष के एजुकेटर्स को इनोवेशन को वो देखते थे, सिलेक्ट करते थे, तो उस काम के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी
उस समय मैंने निभाई थी और मैंने 3 साल तक उस प्रोजेक्ट को आगे चलाया, जिसको इन शोध के नाम से आज आप वेबसाइट में देख सकते हैं, टीचर्स एज ट्रांसफॉर्मर के नाम से देख सकते हैं, और आप इन शोध के साथ साथ एजुकेशन, यस सर, इनोवेशन के बारे में, हाँ एजुकेशन इनोवेशन सर्चरों के लिए अहमदाबाद, तो आपको वो सारे केस स्टडी हमने भारत वर्ष से सर 8,000 से अधिक टीचर्स का केस स्टडी लिखा है उसके ऊपर, जो भारत के कई सारे राज्यों के इनोवेटिव टीचर्स के बारे में आपको वहां से जानने को मिलेगा कि अगर मेरा बच्चा पढ़ने में कुछ कमजोर है तो वैसे हर राज्य में बच्चे कमजोर है, तो मैंने अगर मैंने आपके उन्होंने ऐसे 20 लोगों ने 20 एक्टिविटीज की है तो उनमें से आपको 2 पसंद आए आप कीजिए, आपको अवश्य परिणाम मिलेगा। तो हमने प्रोफेसर विजय सर के माध्यम से एक एजुकेशन इनोवेशन बैंक चल रहा है, जिसमें इनोवेटिव आइडिया, हम जैसे पैसा बैंक चलता है वैसे हमारा इनोवेशन चलता है, एक इनोवेशन दूसरे को बताते हैं, दूसरे का इनोवेशन तीसरे को बताते हैं, वैसे काम में भी मैं जुड़ा हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद सर मैं गुजरात में एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिनकी टेक्स्ट बुक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9-10 तक चलती है, यानी कि मेरी किताबें गुजरात के सभी क्लास में एक बच्चा जो अगर कोई पढ़ता है तो वो एक ना एक किताब मेरी पढ़ता है, और मैं 2001 से किताब लिखने के काम से जुड़ा हूँ सर, और अगर देखा जाए तो 2020 तक यानी कि पिछले 20 सालों में मैंने कुल मिला के 35 से 40 किताबें लिखी है एनवायरमेंट के अभ्यासक्रम के लिए, किसी न किसी कक्षा के लिए, सोशल साइंस के लिए लैंग्वेज लिखा है प्री स्कूल के बच्चों के लिए, कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए, और उसके साथ महाराष्ट्र में एक सर फाउंडेशन है, सोलापुर एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, सोलापुर फाउंडेशन सिद्धराम जी और बाला साहब बाग, तो वो सोलापुर तो उनका नाम पहले से है लेकिन आज तो वो पूरे भारत के 1,70,000 टीचर्स का वो ग्रुप रखते हैं, इतना बड़ा सर फाउंडेशन है, उनके साथ एजुकेशन की कंसल्टिंग के काम के तौर पे हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को सर न्यूज़पेपर से पढ़ना लिखना सीखा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, उसमें आप फ्री हो गए, तो जो मैं स्कूल में कहता था कि अगर आपको अगर आप तो जी अगर आपको सर सिखाने हैं, अगर आपको गुलाब सर सिखाने हैं तो आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने किया, मेरे पास 3,450 ऐसी एक्टिविटीज है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर बच्चे ने किसी भी लैंग्वेज में एक्टिविटी नंबर 200 खत्म की है तो वो वाला बच्चा लैंग्वेज में इतना जानता है। अच्छा, उस पास रिपोर्ट भी है जो होते समय मैंने वहां पे सबमिट करवाया था, तो मैं डॉक्टर था, एजुकेशन में काम किया कुछ समय के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, जीसीआरटी जो काउंसिल है स्टेट काउंसिल, वहां मैंने डेप्यूटेशन पे प्रतिनियुक्ति पे मैंने काम किया, मैंने सरकार श्री के एजुकेशन मिनिस्टर श्री जो है हमारे माननीय मंत्री श्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके साथ मैंने 8-9 महीने तक मैंने काम किया, तो मेरे लेकिन मैं पहले से मेरी जो गमती निशान है उसके लिए काम करता हूँ, और कहीं से भी जो भी काम करता हूँ लेकिन मैं मेरे स्कूल के लिए कुछ ना कुछ नया काम कहीं ना कहीं से करता रहता हूँ। आज मैं सनत प्राइमरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा गुजरात में मैं अभी टीचर हेडमास्टर हूँ, एक टीचर हूँ, मेरे पास कुल मिला के 3 टीचर है मेरे साथ, तो जो बच्चे संयुक्त अक्षर नहीं सीख सकते थे सर उनको सिखाने के लिए 180 जो कहानियां लिखी वो हालांकि आज तो 3,236 तक पहुंची है, लेकिन वो कहानियां और वो न्यूज़पेपर की 1x1 एक्टिविटीज 3,450 जो मैं बोल रहा हूँ, वो 3,450 एक्टिविटी को मैंने दोनों को साथ में लेके जो चलता है वो बच्चा पढ़ सकता है, जो बच्चा सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज सुनता है जो उसका बातचीत करता है वो उसको पढ़ नहीं पाता सर, मैंने चित्र को पढ़वाने से शुरू किया है। अच्छा, मैं किसी भी लैंग्वेज का मैं अखबार पढ़वाता, हमारी वैसी है, तो मेरा मानना था कि
भाषा सिखाने के लिए टेक्स्ट बुक की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना है गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक व्यक्तिगत मानना है कि भाषा अच्छे से अगर इसके पीछे लगता है तो लोग शब्द बोलते हैं, ऐसे लोग कभी किसी किताब में नहीं बोलते हैं, तो शब्द किताब में नहीं है फिर भी कैसे बोलते हैं के लिए। और सर मैंने तो हैंड पेंटिंग को अपने हाथों के द्वारा बनाई गई चीजों को मैंने लर्निंग मटेरियल और रीडिंग मटेरियल मेरी जो एक्टिविटी से करवाई, कुछ कहानी करवाई, कुछ मैंने से या किसी एक्टिविटी से किसी किसी तरीके से बच्चों पढ़ाया। हमने पर्यावरण के ऊपर, साइंस के ऊपर, अलग बच्चे को होते हैं क्योंकि बच्चे भी इंसान है। भवेश भाई आवाज की दिक्कत है, नेटवर्क आपका शायद स्लो है। तो मैं प्रयत्न रुचा जी सर थोड़ी आवाज की दिक्कत थी, आवाज की प्रॉब्लम है, मोबाइल नहीं रखो। हाँ रुचा लो तो सर जो गमती निशान हमने बनाए थे उसमें जो बच्चे कहते थे वो हम चलाते थे। गमती माने गवर्नमेंट का रूल्स था। गमती का अर्थ क्या हुआ? गमती का अर्थ गुजराती में होता है पसंदीदा स्कूल जी, जो पसंद है वैसा स्कूल, पसंदीदा स्कूल। अच्छा अच्छा पसंदीदा स्कूल, पसंदीदा स्कूल गुजराती में गमती नहीं बोलते है। हाँ तो गमती मराठी में बोलते उसको गमती शाला, और अगर उसको हिंदी देखा जाए तो पसंदीदा स्कूल। फिर अंग्रेजी पढ़ाओ, फिर विज्ञान पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ। मैंने मैंने बच्चों को पूछा कभी क्या पढ़ना है, बच्चा बोले गणित, तो मैं पहले गणित पढ़ाऊंगा बच्चे, उसमें भी पूछा एक दिन में इतने सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, इतना ही तय करना है। तो ऐसे हम करते गए सर, हमारे कंपनी स्कूल का नाम होता गया, बाहर से और कंट्री से भी कुछ लोग आते गए, के लिए आया कोई, देखने के लिए आया कोई, समझने के लिए आया कि हम किस तरीके से करते हैं। मैंने भी खुद ने ऋषिवेली की संस्था ने देखी, मैंने रविंद्रनाथ टागोर जी की संस्था देखी, भारतवर्ष की जो गरीब की संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, मैंने खुद मेरे लिए मेरे करने का मौका मिला 4-5 साल तक है, वो जो स्टडी के लिए काम किया, तो भारत के काम किया तो बहुत एजुकेशन और इनोवेशन में मेरी रुचि। भवेश भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है, भावेश भाई आपकी आवाज है। मैंने क्रिएशन किया तो चालू करी ना। जी जी सर मैं पूछ कर रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ खुद। हाँ सर बदल दीजिए। जी 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 सर अब शायद मैं समझता हूँ कि आपका कनेक्शन अब अच्छे से आप सुन पा रहे होंगे। आवाज अच्छी आ रही है। जो मेरे पास लेटेस्ट है वो कवरेज में कर लिया है, शायद आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज को, सुन रहे हैं लेकिन कट रही है। सर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? जी हाँ सुन रहे हैं। आप धीरे धीरे बोलिए, सब समझ में आ रहा है, धीरे बोलिए, थोड़ा स्पीड से मत बोलिए। हेलो जी जी बताइए। जी,
भावेश भाई आवाज नहीं आ रही है साफ आपकी। भावेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद नेट में प्रॉब्लम है। चार पांच मिनट के ब्रेक लेके पहले इसको ठीक कर लीजिए जरा। नेटवर्क की दिक्कत लग रही है सर, सवाल जवाब वाला सेगमेंट कर लेते हैं तब तक। हाँ इनको इनका आप इनको जरा फोन पे बता दीजिए आप तब तक कि आप अपना उसको ठीक कर लें जरा। ठीक है सर, तब तक हम जो है सवाल सर मेरे पास अभी फोन नहीं है सर, आप ही पढ़ दीजिए, मैं अभी करता हूँ उसकी व्यवस्था तब तक। कल के सवाल एक मिनट के मेरे को भी नहीं मिल रहा सर। कल के सवाल हाँ मैं आपके पास मैं देता हूँ। हाँ ये पहला सवाल था कल का कि हमारे देश भारतवर्ष में किस उत्सव का शुभारंभ मराठा संत धोलीबुआ महाराज की हरिकथा और संत गायक की मजार पर चादर चढ़ाने की रस्म से होता है। इसका उत्तर हमें मिला नहीं शायद, या इनको मिला हो तो पता नहीं। भट जी को मिला क्या? आपको मिला नहीं सर, उनके पास में भी नहीं आया। ये जो उत्सव है बहुत देश का प्रतिष्ठित उत्सव है जी। नहीं मिला कोई जवाब मुझे, नहीं मिला सर, नहीं मिला। ये देश का बड़ा प्रतिष्ठित उत्सव है और हम सबने इसका नाम सुना है, वो है तानसेन संगीत समारोह। तानसेन हम सब जानते हैं कि अपनी उम्र के 50-60 साल तक हिंदू रहे और बाद में उन्होंने सूफी संत की शरण ली। तो ये ग्वालियर में होता है और इसमें पहला जो गायन है वो हरि कथा का होता है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली तानसेन साहब की मजार पे चादर चढ़ाई जाती है। तो तानसेन संगीत समारोह जो है वो इस देश का सबसे प्रतिष्ठित समारोह है, जो मराठा संत धोलीबुआ महाराज के गायन से और तानसेन साहब की मजार पे चादर चढ़ाने से शुरू होता है। उसका दूसरा सवाल था कल का कि ध्रुपद के महान गायक जो उत्तर भारत और महाराष्ट्र में शोध करने के पश्चात अनेक वर्षों तक संन्यास और आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करते रहे, कालांतर में सांसारिक विषयों में लौटकर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में वरिष्ठ व्याख्याता और रीडर के रूप में भी उन्होंने काम किया, परंतु एक लाइलाज बीमारी उन्हें हुई जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। इसका उत्तर मुझे लग रहा था कि आना चाहिए था क्योंकि हमारे काफी सारे टीचर दर्शक श्रोता जो है उत्तराखंड के हैं। इनका नाम था स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर पंत। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर पंत जी जो थे काफी प्रतिष्ठित नाम है, काफी पॉपुलर नाम है और ये कंदराव में चले गए। इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद ये अपना बाद में ये लौटे आध्यात्मिक विषयों में थे। ये इसका ये क्वेश्चन जो है ये मुझे
मूल रूप जो इस क्वेश्चन का है वो मुझे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने भेजा था और उन्होंने ये कहा था कि चंद्रशेखर पंच के बारे में देखते हैं कि कितने लोग उत्तराखंड में बता पाते हैं नहीं, लेकिन प्रश्न को शायद सीरियसली मैं फिर से कहूँगा नहीं लिया जाता, कोई बात नहीं। ये चंद्रशेखर पांजी फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन किया और दिल्ली विश्वविद्यालय में ये सीनियर लेक्चरर और रीडर रहे। बाद में एक शायद किडनी की बीमारी इनको लग गई थी और जिसकी वजह से इनका देहावसान हो गया। गांधी प्रसाद रजनीकांत शुक्ला जी रखे तनसुख तन्ना को तानसेन के नाम नाम से जानते हैं, बचपन में नाम थे तनसुख तन्ना जी, बाद में तानसेन हुए, बाद में वो महाराजा की शरण ली। तो ये तो दो कल के उत्तर थे और आज के प्रश्न मैंने आपको भेज दिया, आज के प्रश्न आप रख सकते हैं या मिले कि नहीं मिले। मैं थोड़ी देर में पोस्ट करूंगा, तब तक आप पढ़ दीजिए उनको। पहला प्रश्न था कि वे एक प्रतिष्ठित कंपनी की महिला इंजीनियर बनी, अपनी दूसरी कंपनी के निर्माण के समय आर्थिक रूप से अपने होने वाले पति से ज्यादा सक्षम रही थी और बीएससी और एमसीए के छात्रों को उन्होंने पढ़ाया, बड़ी लोकप्रिय लेखिका हैं, 20 से अधिक किताबें उन्होंने लिखी हैं और उनके एक उपन्यास का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत कम हो जाएगा, उनके एक उपन्यास को जी टीवी ने रूपांतरित किया बनाया था उनका। ये पहला प्रश्न था। हेलो, कि वे अपनी कंपनी की पहली महिला इंजीनियर बनी थी, प्रतिष्ठित कंपनी की, उसके बाद वो जब उनकी शादी हुई तो अपने हस्बैंड से, वुड बी हस्बैंड कहना चाहिए, हस्बैंड कहना चाहिए, उनसे आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम थी और स्टूडियस थी, इसलिए उन्होंने बीएससी एमसी के बहुत लोकप्रिय लेखिका और 20 से अधिक किताबें उनकी लिखी हुई हैं और उनका जो एक सीरियल है उसको हमने, इससे ज्यादा मैं कुछ रिवील करूंगा तो हो सकता है आंसर उसमें आ जाए, इसलिए 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 इतने हिंट बहुत हैं। अगला सवाल आपका है, आपके विचार से कोई तीन शब्द जिन्होंने समय के साथ साथ अपने अर्थ बदले। ऐसे थोड़ा कहिए ना कौन कौन से, नहीं कहिए बोला नहीं, मैं आंसर नहीं मिल रहा ना, आंसर नहीं मिल रहा, जितने होते हैं वो दें, कल उनसे चर्चा हो सकती है थोड़ी सी। जी, हिंदी का शब्द है जिसको हम साहसी कहते हैं, साहस, साहसी। जी जी, शब्द को अभी बहादुर, अभी मतलब वीर बहादुर माना जाता है, साहसी का मूल अर्थ है डकैत, डाकू, डाकू। हाँ, डाकू, तो साहसिक कार्य करने वाले जो डाकू लोग पहले बहुत साहसी हुआ रात बिरात नहीं करते थे, तो ये शब्द वहां से आ गया है, मूल अर्थ इसका है डाकू। बहुत सारे शब्द, इसलिए मेरे को लगा, देखिए आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आया आपका, स्पॉन्टेनियस पहली बार कि ये ऐसा है, तो हमारे जितने निर्मल, जितने नॉर्मल और रेगुलर श्रोता हैं वो शायद शब्द देंगे तो उनसे हम काफी कुछ सीखेंगे। अंग्रेजी का एक शब्द है, अंग्रेजी का एक शब्द है नाइट, नाइट, नाइटहुड, नाइट जी, तो नाइट भी, जी नाइट समुद्र में डकैत को भी कहते हैं, नाइट समुद्र में शतरंज में घोड़े को भी कहते हैं और नाइट बहादुर को भी कहते हैं, योद्धा को भी कहते हैं, तीनों क्या बदल गए हैं, और भी बहुत सारे शब्द के नाम बदले हैं। बनाइए बनाइए लिस्ट बनाइए। स्वागत है आपका पांडे जी, उम्मीद है कि आप नेटवर्क ठीक होगा। पांड्या सर सुन पा रहे हैं आप? तो सर बस ऐसा था मेरे, मैं फिर से जुड़ा हूँ तो मैं वो बात खत्म करता हूँ। तो एक पसंदीदा स्कूल जो है उसमें शायद 200 हमारे पास वृक्ष हैं, आपको एक जंगल की अनुभूति होगी लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अगर आप आते हैं मेरे स्कूल में तो मैं, मेरा अहोभाग्य होगा कि आप आइए और देखिए कि गमती निशान क्यों है। तो मेरा आपका जो सवाल था सर, आज के आप संयोजक हैं और आपके हर सवाल का जवाब देने की मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो सवाल था आपका कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए नहीं हुआ कि मैंने लिखा, वो बच्चों को पढ़ पाए, वैसा मैंने तय किया था कि बच्चा पढ़ पाएगा और तब जाके मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं कई सारे सब्जेक्ट के,
अरने जी दो सवाल और आ रहे हैं। एक महेंद्र सैनी से मेरे दर्शक कह रहे हैं कि आपकी कहानियां ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? हाँ सर, मैं उसमें बता दूं कि कहानियां, कुछ कहानियां ऑनलाइन है और जो कहानियां ऑनलाइन है उसको हिंदी या अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है और वो आप मेरी वेबसाइट में bhavespandya.org स्टोरी लिखोगे तो आपको वो कहानियां पढ़ने को मिलेगी। कुछ गुजराती में भी होगी, कुछ हिंदी में भी होगी। आप अमेजोन पे भी भावेश पंड्या सर्च करोगे तो मेरी किताब आपको दिखने को मिलेगी और आप वेबसाइट में अगर सर्च करोगे भावेश पंड्या मेरे नाम से, डॉक्टर भावेश पंड्या या भावेश पंड्या या सनत प्राइमरी स्कूल, तो कई सारी किताबें आपको अलग अलग तरीके की जो मैंने लिखी है वो आपको देखने को भी मिलेगी। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कहिएगा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसको परचेज मत कीजिएगा, मैं आपको वो पहुंचाऊंगा। आप, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप परचेज नहीं करिएगा। जोशी सर, अगर आपने परचेज किया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। नहीं नहीं, परचेज करना चाहिए सर, ऐसे तो जल में रह के मगर से बैर नहीं होता। नहीं, वो बुक का जो प्राइस है, जो बुक का, जोशी सर बुक का जो प्राइस है वो मैं आपसे ले लूंगा, लेकिन मैं दूसरे फॉर्मेट में लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं दो तीन सवाल मेरे थे। अच्छा सर, जी भज्जी जानते हैं, एक और सवाल है। जी जी सर, एक और सवाल है, फिर आप अपना सवाल रखिएगा। पांड्या जी, हमारे एक और दर्शक है नवीन यादव जी, वो पूछ रहे हैं कि गुजरात स्टेट में मिडिल एंड सेकेंडरी तक कितनी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कंपलसरी एंड ऑप्शनल? आपकी हिंदी बहुत अच्छी है इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मेरी हिंदी अच्छी है, धन्यवाद सर, शुक्रिया। कहीं कहीं कुछ गलती आ जाती है, वो एक लैंग्वेज है तो उतना तो दृढ़ नहीं हो सकते कि उसमें तटस्थता रख पाए, लेकिन शुक्रिया उनका, वो दोस्त जिन्होंने सवाल किया है। लेकिन गुजरात में जहाँ तक गुजरात की एक पॉलिसी का सवाल है, तो गुजरात कक्षा 4 में सेकंड सेमिस्टर में हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे इम्प्लीमेंट कर रही है गुजरात में। गुजरात सरकार हिंदी को सेकंड लैंग्वेज है, अंग्रेजी थर्ड लैंग्वेज है और बाद में फोर्थ लैंग्वेज के फॉर्मेट में संस्कृत है। तो कुल मिला के हमारी कक्षा 8 तक हम गुजराती, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, वो 4 लैंग्वेज हम प्राइमरी तक पढ़ाते हैं। 9-10 में उसमें से किसी में ऑप्शनल है, किसी में नहीं है, आर्ट्स में क्या है, कॉमर्स में क्या है, साइंस में नहीं है, तो वो कुल मिला के 9-10 का ऐसा कुछ अलग नहीं है। लेकिन प्राइमरी में हम 1-8 तक कक्षा में हम 4 लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं। बढ़िया सर, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि मुझे आज समझ में आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन 4 भाषाओं में इतनी निपुण कैसे हैं। वो हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं, संस्कृत में उनका भाषण मैंने सुना, इंग्लिश में यूएन पूरे विश्व ने सुना और गुजराती और खैर माशाल्लाह। तो आपने जो गुजरात में जो लैंग्वेज जहां तक जानकारी है, मैंने 76 कंट्री के साथ कम्युनिकेशन किया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड कॉन्सोनेंट, यानी कि संयुक्त अक्षर का मतलब क्या है और उसकी अहमियत क्या है, एक कहानी लिखने में उसकी अहमियत क्या है। तो जो एक्सपर्ट मैंने दूसरे स्टेट के लिए या दूसरे नेशनल के लिए जब मैं काम करता था, तो मुझे ऐसा मालूम है कि किसी भी लैंग्वेज को आप बोलना चाहे तो 6 महीने में सीख सकते हैं, आप बोलने वाला सिर्फ स्पीकिंग। मेरे को तो आई नहीं, मैंने गुजराती नथी आवड़तू से आगे बढ़ ही नहीं पाया। अरे सर, मेरे साथ कुछ दिन गुजारो गुजरात में, हिंदी तो छोड़ो, आप हिंदी नहीं बोलेंगे, मैं हिंदी का सम्मान करता हूँ, लेकिन आप अच्छी गुजराती बोलेंगे। क्या बात, क्या बात, कुछ दिन गुजारो गुजरात है। और दूसरी बात, दिन गुजारो गुजरात में मेरे साथ। ओके ठीक, आप डन डन, ऐसा अवसर एक ज्ञाता है आपको 30 दिन में। देखिए, गुजराती और हिंदी में जो बदले जाने वाले अल्फाबेट्स है वो सिर्फ 12 है। गुजराती में हम अलग तरीके से फ लिखते हैं, हिंदी में अलग तरीके से फ लिखते हैं। हमारे गुजराती
ल अलग तरीके से लिखते हैं, हिंदी में ल अलग तरीके से लिखते हैं। ये तो चलो हम आगे आपसे और कुछ सुनना चाहते हैं, हम सब तो सब आभारी हैं जो हिंदी में अलग है। 16 दिन में सिखा दूंगा और 14 दिन में प्रैक्टिकल पास। क्या बात, 30 दिन आपको आप तो दोस्ती सर तो बोल सकते हैं, किसी और के 6 महीने या 3 महीने हो सकते हैं। मैंने आपको सुना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो भाषा की जितनी जानकारी है, मेरा अंदाजा है कि आप 1 महीने में बहुत सरस गुजराती भाषा बोलता सीखी सको छो अने सीखवी पण सको। देखिए हम मुकेश जी, डॉक्टर डी एन भट्ट सब जानते हैं कि गुजरात में बहुत आदर से नाम लिया जाता है। देखिए भाषा का कितना असर होता है भट्ट जी, नवघन स्वाई जी ने मेरा नाम ही बदल दिया, घोषी सर जोशी से घोषी कर दिया उन्होंने मेरे को। मैं बड़ा भुक्त भोगी हूँ सर इसका। हरियाणा के जो मेरे मित्र थे हैं, उन्होंने कभी मुझे बहुना नहीं कहा, बोगना बुगना भोगना कभी कभी शुद्ध नहीं बोला उन्होंने। आज भी है, हरियाणा के मित्र कभी शुद्ध नहीं बोलते मेरे नाम को। नेटवर्क की दिक्कत है शायद काफी। और गुजरात की खासियत और बताऊं सर मैं आपको, अभी भावेश जी आएंगे तो उनसे यही पूछना चाहता था मैं। क्या सामान्य रूप से जब हम सहमत होते हैं तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, सिर ऐसे में हिलाते हैं, तो गुजराती लोग जब सहमत होते हैं या हाँ कहना चाहते हैं तो कहते हैं बरोबर बरोबर, लेकिन सिर ऐसे हिलाते हैं बरोबर बरोबर बरोबर। तमिलनाडु में ऐसे करते हैं, तमिलनाडु में भी ऐसे ही करते हैं। तमिलनाडु में आप पूछे ना कि ये काम होना है, सरी 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 करते हैं। मैं पहली बार जब गया था तमिलनाडु में 81 में, मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ, कहे तो ये हारे सिर हिला रहे यूं यूं करके, मतलब नहीं नहीं, तो ये अपने अपने भौगोलिक विशेषताएं हैं, सिर नाम ही हिलाएंगे बोलते हैं हाँ है वो। विनय जी कुछ और स्लोगन बनाइए, कुछ दिन तो गुजारी उत्तराखंड में तो बन गया गुजरात का, लेकिन हमें उत्तराखंड के लिए कुछ और सोचना चाहिए। आइए उत्तराखंड में सर। आज मैं एक पोएट्री कंपटीशन था गढ़वाल में, गढ़वाल के एक जहरी खाल वगैरह 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 उस रीजन में, वहाँ से 32 बच्चों का पोएट्रिक कंपटीशन था, तो 1 से 5वीं 1 से 6वीं तक के बच्चे स्वतंत्रता दिवस की काफी कविताएं गाई उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा। उत्तराखंड उत्तराखंड के लिए मैं बोल लेता हूँ कि अगर कोरोना नहीं आया घर बार में, अगर कोरोना नहीं आया घर बार में तो आके कुछ दिन गुजारे हरिद्वार में। क्या बात, बहुत स्पॉन्टेनियस है यार आपको। वो हमने ये जैसे रजनीकांत शुक्ला जी दिख रहे हैं कि मेरी कुछ पुस्तकें गुजराती और मराठी में अनुवाद की गई हैं, लेकिन गुजरात के एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए जिनका नाम पूरे देश में है, उनको कहा जाता है गिजू भाई बधेका। तो मैं जानना ही चाहता था कि क्या हम भावेश को, डॉक्टर भावेश को गिजू भाई बधेका 2 कह सकते हैं? ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी जो कहानियां हैं वो भी सारी बच्चों की मानसिकताओं पर हैं। आज मुझे अपने रीजनल सेंटर उदयपुर के दीपक जोशी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि उनका भी स्टाइल यही था, जब वो क्लास लेते थे बच्चों के साथ, टीचर के साथ बात करते थे तो ऐसे ही कहते थे कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जैसे भावेश जी ने शुरुआत की तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दीपक जोशी जी साक्षात मेरे सामने आ गए, कह रहे हैं अच्छी बात है। तो उत्तराखंड आने की जब बात चली है, अभी भावेश जी नहीं आए हैं, तो जहाँ मैं रहता हूँ भुवनेश्वर में सर, वो 6400 फुट की ऊंचाई पे सामने हिमालय दिखाई देता है, बहुत घना जंगल है, बाढ़ प्लस काफल का, तो सब मैं कई बार स्वयं को कहता हूँ कि मैं स्वर्गीय हूँ, मैं स्वर्ग में रहता हूँ। तो मैंने एक बार उसमें लिखा था कि इससे पहले आपको उठा ले इस धरती से ईश्वर, इससे पहले आपको उठा ले इस धरती से ईश्वर, अरे जिंदा रहते कभी तो आ जाओ भुवनेश्वर। क्या बात, बहुत अच्छी। किसी ने लिखा था कि आपने गुजराती में और मराठी में, कमलेश भाई आपने लिखी है अगर कहानियां, कृपया आप मुझे भेजे, हमारा एक टीचर कॉर्नर चलता है IIM में, इंशोद में, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आपकी कहानियों को वहां स्थान मिले, टीचर्स का ग्रुप है, तो आप कृपया उसकी कॉपी जो है उस तक पहुंचाइएगा।
रजनीकांत शुक्ला जी सुन रहे हैं या आपके सवाल का जवाब है तो आपकी आवाज आ रही सर, आ रही आवाज आ रही लेकिन आप मैं आपको कहना चाहूंगा तो डॉक्टर भवेश हम आपको गिजू भाई बदेकर टू कह सकते हैं क्या? आपकी किताब किसी के भी पास कोई भी लैंग्वेज की होगी मैं उसको अनुवाद, मेरे पास कई सारे ऐसे दोस्त हैं कि वो मेरे लिए अनुवाद कर देते हैं उसका सार मुझे। जी बढ़िया, आवाज भी गई सर। एक तो मेरा इनसे सवाल यही था गिजू भाई बदेका जी का, और दूसरा एक एनसीईआरटी का भटजी बहुत 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 अच्छे स्तर का कार्यक्रम है इनोवेशन इन एजुकेशन, तो उसपे क्या कभी डॉक्टर भावेश ने पार्टिसिपेट किया? क्योंकि जो इनका काम है उससे तो लगता है कि ये बियॉन्ड द फ्रेम ऑफ दैट कंपटीशन, ये उसको पार कर चुके हैं। तो ये भी हम पूछ सकते हैं कि इनोवेशन इन एजुकेशन एनसीईआरटी की बहुत एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और एनसीईआरटी की स्कीम है, तो वो भी पूछेगा कि इस पे कभी उन्होंने अभी सर वो अगर मेरी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, भावेश पांडे जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जुड़ते हैं तो हम उनसे सवाल पूछते हैं। इसलिए दिनेश पांडे जी का बहुत लंबा कमेंट आया है, हमारे मित्र भी हैं और दर्शक भी हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाषा सीखने के संबंध में एक वाक्य याद आ रहा है, हमारी एक भतीजी हल्द्वानी में पढ़ती थी तो हिंदी उसकी स्वाभाविक भाषा थी, फिर वह पुणे ट्रांसफर होने के कारण अपनी मित्रमंडली से मराठी सहज रूप में सीख गई और 2 साल बाद मुंबई से गुजराती मैनेजमेंट के स्कूल में गुजराती सीख गई, इसके अलावा जो भाषा वह स्कूल में पढ़ती थी वो सीखती थी वो अलग से, तो एनवायरमेंट का तो वाकई बहुत असर पड़ता है सर, वातावरण का बहुत असर पड़ता है सर, वातावरण का बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल जी, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा सर, कल शाम हमारे शो में एक गढ़वाल के कवि होंगे, बहुत युवा कवि और बहुत अच्छे कवि हैं, रोशन बलूनी प्रांजल जी, तो कल शाम 7 बजे से हमारे साथ रोशन बलूनी जी होंगे, आप लोग उनसे गढ़वाली साहित्य के बारे में जानेंगे और गढ़वाली की कविताएं सुनेंगे, तो कल शाम 7 बजे रोशन बलूनी जी को हम सुनेंगे। भगवान जी आप कुछ बोलते हैं बीच में तो कुछ समझ में नहीं आता सर, आप बोलिए। नहीं मैं आपको बता रहा था कि दिला रहा था आपको हिंदी भी अच्छी सर, आप जब याद दिलाते हैं तो जब भी आप सर याद दिलाते हैं कोई मुझे या जोशी जी को या हमारे वक्ता को तो बात पूरी होने के बाद याद दिला कीजिएगा, बीच में याद दिलाने से सर हमारी बात पूरी सुनाई देती है ना आपकी सुनाई देती है। नहीं कई बार क्या होता है कि जब तक मैं याद दिलाता हूँ तब तक आप गायब हो जाते हैं, मैं गायब हो जाता हूँ। नहीं नहीं बात नोट कर लीजिए, नोट कर लिया करिए, पेन और कॉपी रखिए साथ में, तो वो विषय नहीं कर सकते से गड़बड़ हो जाती है। नहीं नहीं कलम निकल जाता जी, मैंने कहा फिर बाद में वो विषय निकल जाता है तो बाद में याद दिलाने में कोई फायदा नहीं होता ना उसका, उस समय वो विषय में सर बीच में बोलने में असभ्यता प्रकट होती है। इसलिए जोशी सर भी इतने सीनियर आदमी हो भी हाथ उठाते हैं, मैं भी हाथ उठाता हूँ, तो बेहतर है कि हम एक 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 को पूरा सुन लें फिर दूसरा आदमी बोले। जुड़ गए सर, जुड़ गए पांडे जी हमारे साथ, फिर से जुड़ गए जी, आवाज आ रही सर पांडे जी? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत सारे सवाल थे, जोशी जी पहले 2 सवाल पूछना चाहते हैं उसके बाद मैं अपने सवाल रखूंगा, सर आप कुछ पूछ रहे थे? डॉक्टर भवेश आप सुन रहे हैं मुझे ठीक तरह से? सर नेटवर्क कुछ दिक्कत आ रही है। मैं हम अभी चर्चा कर रहे थे कि क्या हम आपको गिजू भाई बदेकर टू कह सकते हैं? गए सर, गए गए फिर गए, नेटवर्क गड़बड़ लग रहा है वहाँ काफी। कौन से जिले में ही है ये? बनासकांठा में है सर जी, दूरी लेकिन मुझे लगता है हमारे काफी सारे टीचर्स आज इनसे बड़े लाभान्वित होंगे, इनका ईमेल और फोन नंबर भी आप दे दें, शेयर करें लोगों के साथ। तो हाँ सर, अभी मुझे लग रहा है कि अगर ये हमसे आज नहीं जुड़ पाते हैं तो हम फिर एक दिन इनको बुलाएंगे, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट इनका काम है और उस पर अगर ढंग से बातचीत नहीं हो पाती है तो फिर से इनको एक दिन बुलाना पड़ेगा शो में। जी 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 जी, क्योंकि अभी तो शुरुआती भी तो बीच में
बीच में भी नेटवर्क दिक्कत कर रहा था और अभी उनकी बात भी पूरी नहीं हो पाई है। वो जैसे तो आपने उनको बुलाया था ना, दिनेश चंद पाठक जी को बुलाया था जहरी खाल से, बाद में बबूला जी ने कहा वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क की, तो इसलिए वो भी नहीं आ पाए थे। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम, नेटवर्क का इश्यू तो है ही इस देश में। आया हूँ और मुझे खेद है कि कुछ दिक्कतें हैं, बारिश है, हो रही है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, शायद ऐसा है। क्या हम आपको क्या हम आपको गिजू भाई बधे का टू कह सकते हैं? क्या हम आपको गिजू भाई बधे का गलत है वो इसलिए गलत है कि अगर मेरी सरनेम गांधी है तो मैं दूसरा गांधी नहीं हो सकता। एक पहली बात है कि वो तो बहुत बड़े थे, उनके आगे हम कुछ, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं मानूंगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। शायद मुझे उनको जो नहीं मिला, आपको प्रेरणा दी, कहीं आपको प्रेरणा मिली उनसे, गिजू भाई बधेका से प्रेरणा मिली? सर मैंने गिजू भाई बधेका, सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे पास 80,000 कहानियां है पूरे राष्ट्र से, लेकिन मैंने शुरुआत गिजू भाई बधेका से की थी सर, क्योंकि मैं मदर लैंग्वेज मेरी गुजराती थी। तो किस कितने स्तर से नीचे जाना है कक्षा में बच्चे के लिए, अगर एक कहानी लिखनी है तो उसके समझने के लिए गुजराती में गिजूभाई बधे का, इवन गुजराती में भी कथा में बच्चों के लिए लिखने में उनसे ऊपर कोई नहीं था। मेरे लिए एक वो बहुत बड़ी गाइडलाइन थी, वो मेरा विकिपीडिया थे वो लिखने में। और मैं सर इतना समझा था कि आप जिस किताब के लिए लिख रहे हैं, अगर आप छठे कक्षा के लिए लिख रहे हैं तो उसमें 3 जोड़ो, हुआ 9। तो अगर छठे कक्षा का बच्चा है तो वो 9 शब्द से ज्यादा वो पढ़ के समझ नहीं पाएगा। अगर आप चौथी कक्षा की किताब पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसमें 3 जोड़ो। हमने ऐसी समझ बनाई थी कि चौथी कक्षा की किताब 3 जोड़ो 7 होगा, 7 शब्द से लंबा उसको हम वाक्य नहीं देंगे कि जिसको समझने में दिक्कत आए। तो मैंने जो काम किया था उसमें मैंने इस बात के बारे में सोच के मैंने कुछ ऐसा तैयार किया था, तो उसके लिए मुझे गिजू भाई बधेका को बहुत करीब से पढ़ना पड़ा कि वो किस तरीके से लिखते थे, कि एक ही घटना को वो इतना लंबा भी खींच सकते थे और लंबी बात को एकदम शॉर्ट में भी वो बता सकते थे। वो लीजेंड थे सर, वो हमारी औकात नहीं है, उन्हें हम क्या समझते हैं क्या पता उन्हें, एक शेर है सर कि उन्हें हम क्या समझते हैं क्या पता उन्हें, खुदा का डर ना होता तो खुदा कहते उन्हें, उनके आगे तो हम कुछ नहीं है सर। जी सर, उनके उनके आगे कुछ नहीं, वो है, वो बहुत बहुत है। दूसरा क्या सवाल? दूसरे गुजरात में है सर, मैं दूसरा सवाल ये जानना चाहता था कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी भारत सरकार जो है, अब जिसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, उनका एनसीईआरटी का एक बहुत बहुत सशक्त प्रोग्राम है इनोवेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार, नेशनल अवार्ड भी देते हैं वो। हाँ, नेशनल अवार्ड भी देते हैं, तो वो लिया आपने? हाँ, मैंने लिया भी है और गुजरात में हमारे कई साथियों को मिला भी है, क्योंकि सर हमारा जो इंशोद वाला प्रोग्राम है जो मैं IIM से बताता हूँ, उसमें GCRT जो स्टेट काउंसिल है वो ऑलरेडी पार्टनर थी, तो जो एक दूसरे के जो कॉमन जो लोग थे उनको मालूम था कि ऐसा हो रहा है, तो पिछले 4-5 सालों से हमारे कई साथी उसमें सफल हुए हैं। और अगर मैं मानूं तो, मैं अगर बताऊं तो मुझे मालूम है वहां तक 31 मार्च 1990 के दिन पहली बार एजुकेशन इनोवेशन वर्ष का इस्तेमाल हुआ था, दिस रेफरेंस बाय प्रोफेसर विजय सेरीचंद। 30 मार्च 1990 में पहली बार ऐसा तय हुआ था कि एजुकेशन में इनोवेशन है। जी सर, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था सर, आपने तो इतने सारे इनोवेशन के, इतना सारा काम किया और आपको जिले से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सम्मान मिले, तो इतने सारे सम्मानों को रखने के लिए कमरा अलग से बनाना पड़ा होगा सर आपको तो।
नहीं, मैं ऐसा नहीं किया हूं सर, मैंने ऐसा किया कि हर सम्मान में दो चीजें मिलती हैं, एक प्रमाण पत्र होता है ज्यादातर, एक मेडल होता है या एक ट्रॉफी जैसा कुछ ऐसा या होता है। आप तो नई फैशन में लकड़ी में प्रमाण पत्र होता है वो फोटो फ्रेम वाला, तो जो भी मिलता है अगर स्कूल के नाम से मिला है तो उसको स्कूल में रख लेते हैं। मेरे घर में मैं अभी आपको अगर दिखा पाऊं, अगर मैं नीचे जाना पड़ेगा शायद, मैं ऊपर आ रहा हूं फिर से, लेकिन आपका सवाल का जवाब है कि नेटवर्क चला गया, मैंने सिर्फ 5 रिकॉर्ड के बारे में रखा है सर। रिकॉर्ड सर नेटवर्क चला जाएगा, नहीं, आप देखिए आपको आपको खुशी नहीं, नहीं वो दिखाने के लिए नहीं, उसके बाद वाली जो बात है उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ लाइट कर दे अरुण, ये जो है अगर आप शायद आप मुझे देखते होंगे शायद, हाँ ये जो लग दिख रहे हैं ये जी जी, वो खुद जो सिर्फ जुड़ा जो रिकॉर्ड वाले हैं उतने ही रखे हैं, बाकी के सारे मैंने स्कूल में रखे हैं सर, मेरे घर में नहीं रखे हैं क्योंकि वो बच्चों ने बनाए हैं, बच्चों के कारण है तो वो सारे स्कूल में रखे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड बुक के भी जो सर्टिफिकेट है सिर्फ सर्टिफिकेट, वो कुछ ट्रॉफी तो कुछ अलग अलग प्रोग्राम की किसी ने गिफ्ट दिया वैसा कुछ है, लेकिन मेरे मुझे सृष्टि सम्मान मिला है वो भी मैंने स्कूल में रखा है सर, राष्ट्रपति भवन में जो मुझे सम्मान मिला था वो भी मेरे स्कूल में है, तो अलग कमरा नहीं पड़ता, अलग कमरा नहीं चाहिए, एक छोटी सी लाइन में लगा के रखे हैं, और मैं मानता हूँ कि उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे मेरे साथ सृष्टि है, अनिल गुप्ता है, IIM है, आप हैं, गवर्नमेंट है, पॉलिसी है, टेक्स्ट बुक है, और सबसे पहले बच्चे हैं। वाह बिल्कुल, वो तो लाइटर वेन में कहा, भज्जी ने लाइटर वेन में कहा, मजाक मजाक में पूछा कि आपको कहाँ आपने अवार्ड रखे हैं, बहुत अच्छी बात कि आपने स्कूल में रखे हैं। चलिए सर, ये आपने जो कहानियां लिखी सर, आप में से कुछ कहानी एक दो कोई प्रतिनिधि कहानी अगर आप सुनाना चाहें जोड़ाक्षरों वाली या कोई और, तो जी, जी, हम चाहेंगे, हमारे दर्शन में सुनना चाहेंगे जी। मेरी एक कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, और वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सर, स्वागत है। और मेरे लिए और हम सबके लिए आज के दिन के लिए, आज जो दिन है उसके लिए, जो विषय है उसके लिए, जो हमारा व्यवसाय है उसके लिए एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। कि कहानी ही शुरू करते हैं कि एक राजा था, उसके राज में एक साधु महात्मा रहते थे, और साधु महात्मा के लिए कहा जाता था कि वो जहां नृत्य करेंगे वहां बारिश होगी, तो देश विदेश से लोग आने लगे, उनको सुनाने लगे, तो किसी ने तय कर लिया कि चलो इनको गलत ठहराते हैं, मेरा जैसा होगा कोई गूगल वाला, तो उसने सर्च किया कि कहां बारिश नहीं हो रही है, और गुरु जी को बुलवाया कि सर आप गुरु जी आप नृत्य करें, बारिश करनी है हमें तो पानी की आवश्यकता है। गुरु जी तो गूगल वाले थे नहीं, वो तो बेचारे चले गए, लेकिन जहां श्रद्धा नहीं थी वहां विश्वास भी नहीं रहेगा, उनको हुआ कि शायद हो सकता है कि मेरा नृत्य करने से हो जाए, तो वो चार लोगों जो पांच लोग थे उन्होंने एक घंटा आधा घंटा, कोई गुजरात वाला होगा मेरे जैसा तो 3 घंटा गरबा गा लिया, लेकिन 5-6 घंटे में खत्म कर लिया। अब महात्मा की बारी थी, और आज तक महात्मा ने 5 दिन में बारिश लाई थी किसी भी स्थल में किसी भी जगह पे, तो तीसरा दिन चौथा दिन बजाने वाले बदलते गए, लेकिन महात्मा जी वो ही है जो नृत्य कर रहे हैं। आखिर का 6th दिन हुआ, लोग और मीडिया वाले और सभी लोग देखने लगे कि आज तक तो नहीं हुआ है, तो 5 दिन लगते हैं इनको, तो आज तो 6th दिन है शायद नहीं होगी बारिश, लोग निराश होके जाने लगे। लेकिन सर 7th दिन आया और धीरे धीरे बादल आने लगे, ठंडा पवन आने लगा, एक भीगी मिट्टी की खुशबू आने लगी, और कुछ देर में दोपहर होते होते 7th दिन बारिश हुई। तब उस महात्मा जी को पूछा गया कि महात्मा जी यहां तो कभी बारिश नहीं हुई, आपने कैसे कर ली, तो महात्मा का जवाब है आज हमारे भारत के लिए हमारा जवाब है,
महात्मा ने कहा कि दो बात है, सिर्फ दो बात। एक बात, मुझे यकीन है कि मैं नृत्य करूंगा तो बारिश होगी। सर जोशी सर, मुझे यकीन है कि मैं नृत्य करूंगा तो बारिश होगी। दूसरी बात क्या है? क्योंकि दूसरी बात यह है कि जब तक बारिश नहीं होगी नृत्य करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर मैं शिक्षक हूं, बहुत सुंदर जी सर, अगर मैं शिक्षक हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को आएगा, बच्चे को आना चाहिए। अगर बच्चों को नहीं आता तो तब तक मेरी जिम्मेदारी है जब तक बच्चे को नहीं आता। तो इस बात को लेके मैं निकला था, और वो एक शेर है ना कि निकले और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो 20 साल 22 साल हो गए हैं सर टीचर में, लेकिन खुश है इस व्यवसाय में। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों टीचर हैं सर, और मैंने जिस स्कूल में काम किया गमती निशाल, उस स्कूल में हम ज्यादा अच्छा कर पाए क्योंकि मैं और मेरी बीबी दो ही टीचर थे। बाद में बच्चे भी आए और टीचर्स भी नए आए, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे काम के पीछे, मेरी इस, अगर इसको सफलता माना जाए तो इसके पीछे उनका बड़ा योगदान है। हर सफल आदमी के पीछे महिला का ही हाथ होता है सर। सर उसका नाम, ऐसे मैं भी फ्रेंक बोल देता हूँ, वैसे तो उसका नाम है रूपल। रूपल, रूपल हमारे गुजराती में नाम है रूपल। हाँ, रूपल हाँ, होता है। लेकिन मैंने उसका नाम रखा है सगुणा। सगुणा, तो सगुणा का गुजराती में अर्थ होता है सारे गुण वाली, अच्छे गुण वाली, अच्छे गुण वाली। मैंने उसको सगु ही बोला है, तो मेरे कारण मेरे सारे दोस्त, मेरे फैमिली, उसका फैमिली भी अब तो, और हमारे दोस्त और हमारे जितने लोग हैं हमें जानने वाले, वो उसको सगु ही बताते हैं। कई लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि उसका सही नाम रूपल है। फेसबुक अकाउंट देखो, ट्विटर अकाउंट देखो, स्कूल आईडी देखो, जो भी देखो सगु के नाम से ही चलता है। ये तो मैं खुश हूँ सर। हमारे गुजराती में एक शेर है जी, कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन बन सकता है ये कि सगुण का असली नाम बताइए क्या। हाँ तो वो आप मुझे फोटो फ्रेंड में रख सकते हैं सर, मुझे खुशी होगी कि मैं आपको बताऊंगा और आप और मैं खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। करोड़पति, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, उन्होंने बहुत योगदान दिया है सर। मैं उस जमाने से लिखता आ रहा हूँ जिस जमाने में लेखक को अपनी कॉपी रखने के लिए कार्बन पेपर से अपनी प्रत रखनी पड़ती थी। अगर लिखते लिखते अगर लास्ट लाइन में या बीच में कहीं पे गलती आ जाए तो पूरा पेज फिर से लिखना होता था। उस समय से वो मेरे पीछे, आज मैं कंप्यूटर से सीधा मोबाइल से लिखता हूँ और कंप्यूटर मोबाइल से मेल करके मेरे पब्लिशर को या मेरे न्यूज़पेपर को या चैनल को मैं दे देता हूँ, मीडिया हाउस को देता हूँ। पहले ऐसा नहीं था। जब ऐसा नहीं था तब भी सगु तो थी, वो ऑपरेट नहीं कर पाती है लेकिन वो करवा लेती है। हमने भावेश जी, हमने सोचा था कि जितने वक्ता आएंगे ना उनको हम उत्तराखंड बुलाएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कई सारे श्रोता और कई सारे वक्ता इंटरेस्टेड होंगे कि हम बनासकांठा में डॉक्टर भावेश के स्कूल में जाके रहें और वहां सीखें, देखें। अरे सर, गुजरात में मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में और कुछ दिन गुजारिए भावेश पंड्या के साथ में। बिल्कुल सर, उत्तराखंड में मेरी दोस्त है सोनिया सूर्यवंशी। अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड वो काम कर रही है, एनजीओ है सोनिया सूर्यवंशी। हमने आईएएम में साथ में काम किया है। तो उत्तराखंड में किस जिले में? आईएएम में थी सोनिया सूर्यवंशी, अब अभी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का जो स्टेट है कैपिटल, वहां पे है वो है, और एजुकेशन मिनिस्टर से जुड़ी हुई है कुछ। वाह,
ये मैं उसका नंबर भी अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ उसका, दे दीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत एजुकेशन में वो ग्रासरूट लेवल पे काम करती है उत्तराखंड में, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैंने उत्तराखंड देखा है सर, मैं उत्तराखंड के सीएम सर को एजुकेशन के रिलेटेड प्रेजेंटेशन भी किया करने का मौका मिला है मुझे एक बार सुनील जी के माध्यम से, गुप्ता सर भी थे उस टाइम पे हमारे साथ, अनिल गुप्ता भी थे, हम लबासना आए थे लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में जब वो आईएएस का ट्रेनिंग होता है उनमें हमें स्पीच देनी थी, तो उस वक्त पे हमें ये मौका मिला था और बहुत करीब से एजुकेशन सिस्टम को हमने देखा है वहां से, बातचीत करके हमने देखा था उसको कि, और कई सारे स्कूल्स में भी हमने देखा था उसको सर, और मैं आपसे कई सारे राज्य के सवाल अलग है मैंने पांडे सर, मैं आपसे जब सोचा पहले हमारे इनफॉर्मल बातचीत चल रही थी तो आपने निर्णय किया था कि कुछ आप गीत भी आप सुनाएंगे, ये कुछ गीत भी आप सुनाने वाले थे सर, हारमोनियम भी आप बजा रहे थे। मैं बजा रहा था और मैंने उसको, मैं नीचे से ऊपर आया लेकिन मैंने उसको मंगवा लिया है, मैं आपको ऐसे गाने सुनाता हूँ जो गुजरात में सर मेरे है वो भी है और किसी और के भी है, मैंने मेरा है वो नहीं है, जो अच्छा है वो मेरा है बच्चों के लिए, तो वैसे दो चार गाने की एक एक लाइन में आपको सुना देता हूँ। बच्चा होता है वो जो चपटी बजाने से खुश होता है सर, आप गाना सुना बड़ा महत्व, वो चपटी बजाने से खुश होता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट है सर, मैं उसको बता रहा हूँ आपको, जयेश प्रजापति जी जो चौक के हमारे आर्टिस्ट थे बहुत बड़े, इनका भी बड़ा नाम है गुजरात में और देश में, ये कह रहे हैं कि गुजरात में आना ही पड़ेगा, हमारा प्यार ही काफी है, आना पड़ेगा आपको। धन्यवाद प्रजापति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आइए आइए सर, हमारे पास एफएम स्टूडियो है, हमारे पास एफएम स्टूडियो है, हमारे पास रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, न्यूज चैनल का स्टूडियो है, न्यूज़पेपर है, और आप आइए गुजरात कभी भी आइए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको गाना सुनाता हूँ चपटी वाला, जब बच्चा चपटी बजाने से खुश होता है तो वो ये गाना गाता है, उसकी मम्मी को बोलता है माँ मुझे चपटी बजाने का आ चुका है, चपटी वागे छे पट पट पट। यहाँ पे हम संयुक्त अक्षर का परिचय देते हैं, उसको सुनाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सुनाते हैं, मारी चपटी वागे छे पट पट पट, संयुक्त अक्षर का परिचय है सिर्फ गाने में, जाने फूटे बंदूक खड़ी बंदूक, जाने फूटे बंदूक खड़ी फट फट फट, फटाक फटाक फट, हम सिखाते हैं संयुक्त अक्षर सिखाते हैं, ओ बने चपटी बगाड़ता, कपड़ा धुए भले दब दब दब, कपड़ा धोती है माँ तो आवाज आती है दब दब दब, कंपाउंड कॉन्सोनेंट है वो, कपड़ा धुए भले दब दब दब, खूब पानी मैं पानी में खूब पानी मां नहीं करूं छब छब छब, संयुक्त अक्षर है सुनता है, बाबा मने शक्ति बगाड़ता। एक दूसरा गाना है बदला डाले वांदरा करते हो बाहु, बदला डाले वांदरा करते हो बाहु, कानो मानो जोया करूं थैने चुपा तू, बदला डाले वांदरा करते हुँ। तो हिंदी में समझते हैं, गुजराती नहीं समझेंगे, उनके लिए एक हिंदी गाना है, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा
दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। बहुत प्यारा गाना है, छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, ऐसे ऐसे अपनी अखियां ना जलाओ, दादी अम्मा मान जाओ। गुजराती में एक दूसरा गाना सुनाऊंगा, तो मेरा गाना पानी तो मेरा गाना है, और गुस्सा आ रहा है क्या? गुस्सा तो नहीं आ रहा? क्या आ रहा है जोशी सर? आपसे गुस्सा करना, मैं आपको मिल चुका हूँ इसलिए आपसे गुस्सा नहीं करूंगा, आपसे प्यार ही करूंगा, और मैं बोलूंगा ऑन लाइव आई लव यू। धन्यवाद, आई लव यू। आप फूलो मारंग तो तोड़े पूरा, इन फूलों में रंग किसने भरे हैं? आप फूलो मारंग तो तोड़े पूरा, पड़े लीधी हाथ माँ पीछी पीछी, किसने पीछे हाथ में ली और फूलों में रंग किसने भरे? आप फूलों में रंग तो पड़े पूरा, पड़े लीधी हाथ माँ पीछी पीछी, मोटा पहाड़ों पड़े करा, बड़े बड़े पहाड़ किसने बनाए? कोड़े ना पर माटी भरी, बड़े पहाड़ किसने बनाए और उसके ऊपर इतनी माटी किसने भरी? आप भूलो मारंग तो कोड़े पूरा, कोड़े लीधी हाथ माँ पीछे पीछे। अभी सर थोड़ी आवाज बिगड़ी हुई है, हमारा वो होम लर्निंग फ्रॉम होम गुजरात गवर्नमेंट का दूरदर्शन में चलता है, तो सारा दिन रिकॉर्डिंग और वॉइस ओवर में रहता है, तो साथ नहीं दे रहा है, तो आपको गुजरात का जो हमारा गुजरात की, इसके लिए एक शेर है, जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, जब अभी आवाज आपकी ऐसी है क्या होगा। मैं आपको सर हमारे गुजरात का एक गाना सुनाता हूँ जिसको हम गुजरात साला गीत बोलते हैं, जो गुजरात की हर स्कूल में गाना होता है उसको। प्रार्थना गीत भी बोलते हैं उसको, पहले मैं आपको प्रार्थना गीत सुना दूँ। बनिए प्रज्ञावान, बनिए प्रज्ञावान, प्रज्ञा द्वारा पण सौनु विकसूर ज्ञान, प्रज्ञा द्वारा पण सौनु विकसूर ज्ञान, बनिए प्रज्ञावान, बनिए प्रज्ञावान। तो प्रज्ञा का गाना अपना हमारे प्रोजेक्ट चलता है एपीएल, इसको उसका हिंदी फॉर्म हमने गुजराती नाम रखा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसको हम बोलते हैं प्रज्ञा, प्रवृत्ति द्वारा ज्ञान, जिसके लिए हमने बिहार के, ऋषिवेली के, तमिलनाडु के, बेंगलुरु के, मल्टीग्रेड मल्टी लेवल के कई सारे मॉडल को हमने देखा, और हमने गुजरात में प्रज्ञा का मॉडल बनाया है जो कई सालों से गुजरात में अच्छी तरीके से रन हो रहा है। वो हमारा इस कार्यक्रम का गाना था, और एक हमारा साला गीत बोलते हैं उसको। रोज निशाले जाइए, अमे रोज निशाले जाइए, गाता रमता अक्सर साथे ओळखण करी लइए, रोज निशाले जाइए, अमे रोज निशाले जाइए, गाता रमता अक्सर साथे ओळखण करी लइए, रोज निशाले जाइए। अब उसको बोला है कि कैसे वो सीखेगा, तामरी बोली लखी वाची ने बैला भाषा मणिए, सुन के बोल के लिख के
पढ़ के तामड़ी बोली लखी वाची ने भैला भाषा मणिए संख्याओं ने समझी समझी झटपट गणित गणिए संख्या को समझ समझ के फटाफट गणित गिन लेते क्योंकि रोज निशाले जाइए अभी रोज निशाले जाइए ताता रमता अक्सर साथे ओड़खाण कर लइए रोज निशाले जाइए ऐसे गाने कई सारे आप आओ एक बार स्पेशली आप चाहेंगे तो हम पूरे गुजरात के म्यूजिक के जो बच्चे जो अच्छे गाने वाले हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे उत्तराखंड के साथियों को लेके आओ डॉक्टर साहब और सर आपको भी अनुरोध है आप सभी को अनुरोध है अगर आपको आना है तो 15 दिन पहले 10 दिन पहले हमें जरा बता दे कि इतने साथी और यहाँ पे हम आते हैं हम आपकी व्यवस्था अच्छे से कर लेंगे इसलिए मैं गुजराती लोकगीत सुनाता हूँ कि इसका मतलब है हमारा मलक मा हमारे देश में लोग जो है वो माया वाले हैं उसका एक गीत है गुजराती में अपना मलक माया में किने मरी बस आप आइए मेरे मलक में मायालू लोग हैं आपको गुजरात में घूमने का मजा आएगा और मैं चाहूंगा मैं इस बात को आपको कहना चाहूंगा कि अकबर भले हो महान गुजराती में है लेकिन आप समझ जाएंगे मैं आपको समझाऊंगा कि अकबर भले हो महान उससे महान मैं हूँ अकबर भले हो महान एठी महान हूँ छू अकबर भले हो महान उससे महान मैं हूँ वो था 9 का 40 का सरताज में हूँ मेरे स्कूल की संख्या है 40 अकबर भले हो महान उससे महान मैं हूँ वो था 40 वो था 9 का 40 का सरताज में हूँ घर बार छोड़ के जब प्रविष्टा हूँ वर दरबार में 100 सलामा सलामे झीलता ताज हूँ सरताज हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ शिक्षक हूँ शिक्षक बहुत तो शिक्षक को इससे आगे कुछ सर आप अगर छोटे गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते हैं और किसी छोटे से गांव में है आप एक आवाज दोगे कि पानी चाहिए 10 बच्चे दौड़ के आएंगे जी 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 कि सर मेरा पानी पिएंगे तो इतना प्यार देते हैं बच्चे और हम भी उनको उतना ही प्यार देते हैं उतना ही शौक से उनके साथ खेलते हैं गाते हैं घूमते हैं उनके दुख दर्द को सुनते हैं हमारे दुख दर्द उनको सुनाते हैं रास्ता दिखाते हैं बातें करते हैं हम रेगुलरली एक फॉर्मल स्कूल नहीं चलाते आज भी नहीं चलाते लेकिन हमारे बच्चे वो ही एग्जाम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की दूसरे स्कूल के बच्चे वो लेक्चर करके अलग अलग करके वो 1 से 5 की पहले दूसरे में तो हमारी एग्जाम नहीं है लेकिन कक्षा 3 से 5 में उनको 3, 4 और 5 पांचवी वाले बच्चों को 5 सब्जेक्ट की चौथे वाले बच्चों को 4 सब्जेक्ट की छमासिक और वार्षिक और एकम कसौटी उनको देनी होती है और वो देते हैं और वो पास भी होते हैं सर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे स्कूल में जितने बच्चे हैं इस बार अभी कोरोना की वजह से बच्चे नहीं आए हैं लेकिन पिछले साल का मेरा रिकॉर्ड है कि जितने बच्चे हैं वो 100% पढ़ लिख सकते हैं वो मेरे नाम से अगर नहीं पढ़ते तो वो मेरा चैलेंज है क्योंकि अगर पढ़ने के लिए मेरे नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड है अगर मेरी लिखी किताबें हैं और मेरी लिखी किताबें मेरे स्कूल के ही बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो कौन पढ़ेगा तो मेरी किताब है इसलिए मेरी चैलेंज है कि मेरे बच्चों को आना चाहिए और इसलिए मैं हर साल कहानियां और काम बढ़ाता गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया तो मैं फिर से कहूंगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का बच्चों वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बच्चों का है मैं तो सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक और गमती निशान के बीच में एक कोलैबोरेटर हूँ एक सहयोगी और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के बाद सर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कई सारे शिक्षकों को जो अलग से काम करते हैं जैसे मैं आपको भी कहूंगा कि ऐसी आपने 63 सीरीज अगर मेरी है तो आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्लेम कीजिए आपकी इस कार्यक्रम को इंडिया बुक रिकॉर्ड वाले मैं जानता हूँ कहाँ वहां तक एशिया बुक रिकॉर्ड वाले मैं जानता हूँ मेरी जानकारी है आप कर पाएंगे और आप सक्सेस होंगे और आप जब सक्सेस होंगे फिर से हम वेबिनार के माध्यम से लाइव मिलेंगे
क्या बात, मेरे लिए अगर अगर चाहो तो आप, मैं अगर आप जो भी चाहोगे मैं मदद करने को तैयार हूँ, मैं उनके नंबर भी आपको दे सकता हूँ सीधा। ये कार्यक्रम आपकी क्या है, आप उसके लिए एक बार अप्लाई कर दीजिए, बाकी का सब मैं आपको बताऊँ। ये छोटा काम नहीं है कि 63 दिनों से कुछ भी छोड़ के रेगुलर हमें किसी को मिलना है या नए नए लोगों को ढूंढना है, या बहुत मुश्किल काम है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, सर बाद में पहले मेरी बात है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, आप जैसा एक पत्थर तबीयत से उछालो यार, बताइए। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सर, मैं ये कह रहा था कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, 63 दिन से लगातार इस शो में है, और आज इस वक्त जब मैं शो में आपसे बात कर रहा हूँ, आज मेरे बेटे का बर्थडे है सर, जन्मदिन है आज, सारे लोग उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बधाई हो, मैं वो छोड़ के शो में बैठा हूँ। मैं 2008 से रेकॉर्ड बुक से जुड़ा हूँ सर, भारत की और दुनिया की कई सारी रेकॉर्ड बुक से और दूसरे देशों की भी, जैसे आप अपनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो दूसरे देश, तो मुझे मालूम है कि वो ऐसी बातों की, ऐसा नहीं है, हम जब कुछ करते हैं तब जाके उनकी किताब छपती है, तो वो तो हमें सपोर्ट ही करेंगे ना कि नहीं आप सच है, आपने किया है, आप इस तरीके से करो, अगर हम करेंगे ही नहीं तो वो उनकी किताब कैसे चलेगी, तो वो हमारे सपोर्ट में होते हैं, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। और मैं चाहता हूँ सर, डॉक्टर भट्ट जी, मेरी ससुराल की सरने भी भट्ट है, तो मैं आपको एक जमाई के तौर पे कहता हूँ कि आपको इसके लिए प्रयत्न करना है और करना पड़ेगा, आप जहाँ भी रुकते हैं आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। आज तक मैंने 40 लोगों को, 40 टीचर्स को मैंने इंडिया या एशिया या ग्लोबल रिकॉर्ड मैंने उनको दिलवाया है। क्या मेरा काम ही ऐसे लोगों को ढूंढना। मेरा 7 स्किल फाउंडेशन चल रहा है सर, हम जिसका काम 7 स्किल फाउंडेशन का काम है, जो 7 स्किल है, लाइफ स्किल जो है, उन सार गाना बजाना वैसे नहीं, एक गाना या म्यूजिक वैसे नहीं, जीवन की जो 7 स्किल है, यानी कि कुछ भी वो अलग अलग से अगर कुछ करता है और खास करता है, तो हम उसको 7 स्किल का एक सर्टिफिकेट देते हैं, और उसका नाम हम हमारी बुक में, जैसे लिम्का बुक छपती है, हमारी बुक पे हम उसको पब्लिश करते हैं। भारत वर्ष से हम पिछले 4 सालों से ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ काम कर रहे हैं नॉट ऑन मैप से, उत्तराखंड के ही हैं आपके अनुभव कुमार जी, और 22 अगस्त को जो कार्यक्रम हो रहा है, मैंने देखा आपका कल वाला जो प्रोग्राम था, वो कहानियों वाला और उत्तराखंड के लोकगीत वाला था, मेरा जोशी सर और हमारे दूसरे सर के दोनों के माध्यम से, डॉक्टर में भट्ट जी आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर चाहे तो उनमें से कुछ हिस्सा काट के उस कॉन्फ्रेंस के लिए दे सकते हैं। मैंने 22 अगस्त दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे लाइव, मैं अभी बोलूंगा नहीं, एडवांस में है, लेकिन वेबिनार हो रहा है उसकी, मैंने उनको भेज दिया सर, मैं कल आपसे उनसे बात करवा देता हूँ, मेरी बात हो चुकी है सर, आपने नंबर दिया था, दो का भेज दिया मैंने सर, तीसरा मैं कल भेज दूंगा, बात हो गई उनसे मेरी, लगातार उनके कॉल आ रहे हैं सर, मैं संपर्क में हूँ। उत्तराखंड आपने, आपने भेज दिया है अपूर्वा को? भेज दिया सर, लगातार बात हो रही है, और मैं और भी बहुत सारे राज्यों में मदद कर रहा हूँ उनकी, राजस्थान में मदद कर रहा हूँ, केरल में कर रहा हूँ, असम में कर रहा हूँ, बंगाल में। आप भेजते रहिए, अगर आप उनसे सीधा संपर्क में है और उनको जानते हैं तो मेरे लिए आसान है, लेकिन तो अब मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि मैं नॉट ऑन मैप और DTDU के लिए भी ऐसे लोगों को जोड़ता हूँ, खोजता हूँ, मेरा 7 स्किल फाउंडेशन है, सृष्टि है, हनी बी नेटवर्क है, पद्मश्री अनिल गुप्ता है, चेतन है हमारा सृष्टि का, रमेश भाई पटेल है, तो हम सब सब सोचते रहते हैं कि ऐसे साथियों को खोजा जाए, जोड़ा जाए, मिला जाए या पकड़ा जाए, किसी ना किसी तरीके से उसको हम मिलेंगे और किसी ना किसी तरीके से उसके बारे में किसी को बताएंगे। मेरे पास 1 रुपया है, डॉक्टर भट्ट के पास 1 रुपया है, अगर भट्ट मुझे देंगे तो मेरे पास 2 होंगे, उनके पास 0 होंगे, अगर मैं उनको दूंगा तो उनके पास 2 होंगे, मेरे पास 0 होगा, लेकिन उनके पास 1 आइडिया है और मेरे पास 1 आइडिया है, अगर हम उसका एक्सचेंज करेंगे तो उनके पास भी 2 आइडिया रहेंगे
और मेरे पास भी दो आइडिया रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए एक इनोवेशन बैंक चला रहे हैं हम, और ऐसे छोटी सी छोटी बात से लेके बड़े से बड़े तक। लेकिन मैं नहीं कहता कि उसमें आप रॉकेट साइंस लाओ या रिसर्च लाओ, आप छोटा सा विचार लाओ। जैसे कि एक सोच है कि अगर आप आपके बच्चों के अक्सर सुधारना चाहते हैं तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ उनको जो कमीज हर रोज जो कपड़े धोते हैं उसके कमीज के बटन फिट करवाओ, डेली एक काम करवाओ। जब आप कपड़े, उसकी मम्मी जो होती है वो कपड़े ठीक करने को बैठती है, वो बटन है वो बच्चे से करवाओ, उसकी उंगलियां और उसके टेरवे और उसका जो पोपता होता है वो ऑटोमेटिकली इतना वो नॉर्मल हो जाएगा कि उसके हस्ताक्षर सुधर जाएंगे। बाकी हम जितना भी पैसा खर्च करेंगे, जितने भी किताबें लाएंगे, जितने भी कलर काम करेंगे, लेकिन हम हमारे बच्चे के हस्ताक्षर नहीं सुधार पाएंगे। बटन खोलो, अक्षर सुधारो। मैंने एक रिसर्च किया था और मैंने उसके ऊपर एक निबंध भी लिखा था जो कि कई अच्छी जगहों पे और नेशनली और इंटरनेशनली वो पब्लिश हुआ है। मेरा सब्जेक्ट था बटन खोलो, अक्षर सुधारो, और उसकी शॉर्ट स्टोरी मैंने मेरे ब्लॉग पे भी लिखी है सर। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसको हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज है मैं उसको ट्रांसलेट करवा के आप तक पहुंचाऊं। जी जी, और मेरे लायक ऐसा कुछ आपको लगे तो आप बता। जी सर, सर बोलिए। मैं बताना चाहूंगा सर आपको कि मुझे गुजरात से जितने भी मित्र मिले आप समेत, इतना प्रेम उन्हें है कि वो सारे आग्रह कर रहे हैं कि आप गुजरात आइए। तो मैं सर कहना चाहूंगा कि हम जब गुजरात आएंगे तो हम अकेले नहीं आएंगे, हम 100-200 लोग आएंगे कम से कम। इस शो के जितने भी मेहमान हैं वो सब एक साथ आपके राज्य में आएंगे। अरे आप 100-200 आओ। आप सर मेरी बात सुनो, अब आपको मेरी बात सुननी है। आप 100-200 आओ, मुझे 10 दिन या 15 दिन पहले मुझे अवगत करो, मैं अवेलेबल रहने का प्रयत्न करूंगा। मैं आपको ऐसा नहीं बोलता कि आप मेरी तारीख तय करके आओ, आप जब भी आओ मुझे 15 दिन पहले बताओ, मैं कैसे भी आपसे मिलूंगा। आपको IIM का हमारा काम देखने को मिले, IIM देखने को मिले, सृष्टि देखने को मिले, गुजरात की अच्छी अच्छी स्कूलें और अच्छे अच्छे टीचर्स आपसे मिले, वो पूरी व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। बाकी के साथियों ने भी आपसे जिम्मेदारी ली है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप आ जाइए। मैं पूरे टीचर्स की ओर से आपका आभारी हूं सर, और दूसरा के स्वामी जी का आभारी हूं। जो स्क्रीन डॉक्टर बट जो स्क्रीन ऊपर देखते हैं वो नहीं, जितने देख रहे हैं या इसको टेलीकास्ट होने के बाद आप फेसबुक पे रखेंगे और जितने देखेंगे, आप गुजरात के मेहमान हो इसलिए नहीं, आप एजुकेशन के लिए आ रहे हो इसलिए हम आपको इतना तवज्जो देंगे, क्योंकि आपसे हम सीखेंगे, हमसे आप सीखेंगे। अगर हम दोनों साथ सीखेंगे तो इंडिया सीखेगा। हमने छत्तीसगढ़ से किया, बिहार से किया, उत्तराखंड से किया, कश्मीर से किया, तमिलनाडु से किया, कर्नाटक से किया, आंध्र प्रदेश से MGML किया, कर्नाटक में MGML किया, बेंगलुरु में किया, महाराष्ट्र में किया, पुणे में किया, सोलापुर में किया। आप भी हमारे साथ, हमने किया इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किया, वहां के लोगों के साथ मिलके हम सब ने तय कर लिया कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें परिणाम मिले। अपना बच्चा 8 साल तक यानी अपनी जिंदगी के 2500 दिन वो हमें दे रहा है। कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक अगर हम नॉर्मली गिनते हैं तो अपने जिंदगी के 2500 महत्वपूर्ण दिन दे रहा है। क्या हम किसी को अपने जिंदगी के 100 दिन दे सकते हैं? अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं होता या मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता, अगर आपसे आज मेरी पहचान नहीं होती या जोशी सर का नाम या सर का नाम या आपका नाम या इस प्रोग्राम के बारे में मुझे मालूम नहीं होता, इससे पहले 62 प्रोग्राम हो चुके हैं, अगर आप दूसरे तीसरे प्रोग्राम में आता तो शायद मैं आपसे बात ना करता। तो आपने 63 चलाए हैं, आपसे मिलना था इसलिए मैं आया हूँ, आपसे जुड़ना था इसलिए मैं आया हूँ, मेरा स्वार्थ है इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन अब आप गुजरात आते हो तो हम सब साथ मिलके उत्तराखंड में भी और गुजरात में भी, आप बोलेंगे गुजरात में हम करेंगे, हम बोलेंगे वो आप उत्तराखंड में करेंगे, क्यों ना मेरा अकेला मिले, हो सकता है हम सबका अच्छा हो जाए। जी जी, चलिए धन्यवाद। कोई भी आओ, गुजारो गुजरात में रहने की खाने की
कोई फिकर मत करो, आओ कभी भी आओ। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरा छोड़ो, मैं यूनिसेफ के साथ काम किया हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी, मेरा सवाल सर मैं पूरा कर लूँ। एक तो आपने जो यूनिसेफ के साथ काम किया वो किस तरह का था, उसका अनुभव थोड़ा बताइएगा। और दूसरा, हमारा एक पड़ोसी छोटा सा मुल्क है सर भूटान, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बड़ा बहुत आदर्श मानी जाती है, वहाँ आपने जो काम किया उसका अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। मैंने उसको नजदीक से देखा है। जी जी दोनों मैंने उसको करीब से देखा है। जी जी जी, यूनिसेफ में तो मैंने काम किया एज अ वो प्री स्कूल, अभी अगर नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और 5+3+3+4 अब हुआ है, तो हो सकता है कि बाल मंदिर के प्री स्कूल सीनियर और जूनियर और कक्षा 1-2 को मिला के 5 साल जो गिने हैं, अगर उसमें करिकुलम बनता है, कंटेंट बनता है, पाठ्यक्रम बनता है, जोशी सर है वो मुझसे अवगत ज्यादा है कि एक नई शिक्षा नीति के अमल के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या होगा, तो वो अगर करते हैं तो ठीक है। लेकिन गुजरात यूनिसेफ ने प्री स्कूल के लिए, आंगनवाड़ी के लिए एक मटेरियल बनाया, तो उनको क्या नीड है वहां से लेके उन तक पहुंचा, उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका क्या परिणाम मिला, उसका एनालिसिस करके उसको फिर से उसको सुधार करके दूसरी बार उसको स्टेट में भेजा और रेगुलराइज किया। तब तक मैंने एक प्रोजेक्ट के तौर पे और उसके अलावा ऐसे कई सारे अलग अलग दूसरे प्रोजेक्ट को कुल मिला के मैं यूनिसेफ के साथ पिछले 10-15-20 सालों से तो मैं कंटिन्यूस यूनिसेफ से जुड़ा हुआ हूँ। उनका एडेफ का प्रोग्राम हो, उनका जेंडर का प्रोग्राम हो, उनका ग्रासरूट इनोवेशन एजुकेशन का प्रोग्राम हो, तो हमारे यहाँ पे मैडम है तो पुष्पा मैडम जो है, पुष्पा वाधवानी जोशी, जो यूनिसेफ गुजरात प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ी हुई है, और वो हमने पहले उनके साथ वो लर्निंग गारंटी प्रोग्राम एक प्रोग्राम चला था अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का, उनके साथ काम किया, तो हम आज उनसे कर रहे हैं। तो पुष्पा जी के कारण भी यूनिसेफ में रहे हैं और काम कर रहे हैं कई सालों। मैंने यूनिसेफ के लिए लिखे हैं, गाने लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, कुछ मटेरियल लिखा है, ट्रेनिंग मटेरियल लिखा है कुछ लिखा है यूनिसेफ। जी सर। हाँ भूटान का सर, भूटान का और यहाँ के जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है? भूटान में ऐसा है कि मैंने भारत और भूटान की जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या अंतर सर आपको मूलभूत नजर आया? जी जी सर, जी जी जी, मैं बताता हूँ। मैंने भूटान के बारे में, भूटान की एजुकेशन के बारे में किसी मैगजीन में एक न्यूज पेपर में पढ़ा कि जो आज राजा हैं, आज भूटान के राजा हैं, उनके पिताजी जब राजा थे और आज के जो राजा हैं वो किसी स्कूल में एडमिशन होने की उम्र के हुए 5-6 साल के या 7 साल के, तब भूटान में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, आज भी नहीं है भूटान में, तो उन्होंने किसी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया राजा के बेटे ने। तो अब किसी ने न्यूज में ऐसा लिया आया कि भाई राजा के बेटा ऐसी स्कूल में पढ़ता है, सुविधा नहीं है बाकी के बच्चों की, तो उन्होंने जो बच्चा अपना उनका बच्चा था वो जो स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल को उसने उन्होंने राजा जी ने अच्छे से डेवलप कर दिया। तो न्यूज में दूसरे दिन अलग आने लगा कि बाकी के बच्चों ने क्या दोष दिया, तो उन्होंने पूरे भूटान की एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर को सेम कर दिया। हालांकि उनकी भौगोलिक परिस्थिति हमारे 7 सिस्टर राज्यों की जैसी है, उनसे जुड़ी हुई है। जोशी सर आप तो उसको करीब से देखे होंगे कि हमारे जो 7 सिस्टर की जो भौगोलिक स्थिति है भूटान में भी वैसी ही स्थिति है, फिर भी उन्होंने ज्यादातर सारे स्कूलों को सेम कैडर में इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू किया। अभी तक 1986 की नई शिक्षा नीति के बाद तक भूटान में हमारे एनसीईआरटी की किताबें चलती थी सर। तो जो भूटान के आज के राजा है जो प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए उसके बाद उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एजुकेशन पॉलिसी मिला, वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ के आए हैं आज, और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरा मानना है, मैं समझता हूँ और मेरी जानकारी है वहां तक, भूटान कुछ सालों पहले हमारे टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आज भूटान
विश्व में सर्वाधिक ग्रोथ करने वाली और क्या बोलते उसको कि रिजल्ट के परिपेक्ष में उसमें सही ठहरने वाली अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम उभर के आ रही है तो मैं समझता हूँ कि वो भूटान से आ रही है और वो हमारे साथ ही जुड़े हैं, जो हमने किया है वो ही वो कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे हैं, छोटा देश है, छोटे एरिया में है, लेकिन उनका भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि उसको आज देश में इतनी भौगोलिक असमानता के बावजूद भी भूटान में इतना करने के लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भूटान जाके उन स्कूलों को, उनके टीचर्स को भी मिला हूँ और देखा है मैंने कि उसके राजा जी भी, आज के जो राजा है वो भी भूटान के एजुकेशन के लिए बहुत चिंतित हैं और वो बहुत उसमें काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। हमारा शो का समय सर 1 घंटा, लेकिन आपकी बातें इतनी रोचक और इतनी ज्ञानवर्धक है कि इसको खत्म करने का मन नहीं करता। हालांकि हम 1 घंटा 35 मिनट आपके साथ बिता चुके हैं, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा और आपको सुने सर, कुछ कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा हो जरूरी है हम सबको बतानी है और आप अभी तक नहीं बता पाए हो, तो सर हम उसको सुनेंगे और फिर आपसे विदा लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो शिक्षक मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि देखिए सर, अब्दुल कलाम सर ने अगन पंथ लिखी है किताब, उन्होंने लिखा है कि मैं रॉकेट बना पाया, मैं मिसाइल बना पाया, मैं ये कर पाया, क्योंकि मेरे एक टीचर ने, जिनके नाम के साथ उन्होंने लिखा है, कक्षा 3 में समुद्र किनारे रामेश्वरम में ले जाके मुझे अलग अलग पक्षियों के उड़ने के तरीके समझाए थे और उसका कारण उन्होंने उनकी वैन, उनकी पंखों को बताया था कि हर एक की पंख अलग है, इसलिए हर एक अलग तरीके से उड़ता है, और वहां से मैं आज रॉकेट या मिसाइल या मैं बना चुका हूं। तो मैं सभी शिक्षकों से, मैं अगर मुझे चांस मिला है, 15 अगस्त है, तो आपका साथ मिला है, आपने मुझे कहा है, तो मैं कहूंगा कि शिक्षक है तो ही देश सर्व क्या बोलते हैं विश्व सत्ता होगा, विश्व गुरु होगा, स्वावलंबी होगा, व्यक्तिगत स्वरूप से खड़ा होगा, लेकिन इसके लिए शिक्षा जरूरी है। और टीचर या टीवी या कंप्यूटर या गूगल या कुछ भी हो, लेकिन शिक्षक का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और इसलिए जो भी शिक्षक है वो अपनी शक्ति को बनाए रखे। आज की टेक्नोलॉजी और हमारी शक्ति मिला के कुछ सालों में इस नई शिक्षा नीति के आधार पे हो सकता है कि हम दुनिया में आगे निकले, और शिक्षा में जैसे हमने भूटान की बात की, लोग इसराइल की, किसान लोग जो है खेती वाले इसराइल की बात करते हैं, ऐसे शिक्षा में या इनोवेशन में या आपके जैसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करने वाले किल वाली बात में हम दुनिया में सर्वाधिक आगे हो, और हम सब उसमें एक छोटा सा तो छोटा सा लेकिन उसमें हमारा निमित्त हो और हम उसमें जुड़े हो सकता है। मैं जब मेरी ब्लॉग की डिजाइन है उसमें मैंने लिखा है कि हम वो ही सोचते हैं जो हम कर सकते हैं, हकीकत में हमें वो सोचना चाहिए जो हम नहीं कर पाते, तो मैं वो ही सोचता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसके बारे में ही बोलूंगा कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है, मुझे गुजराती को दुनिया के 164 कंट्री के सामने गुजराती कहानियों को अप्रूवल देना है, उसमें कंपाउंड कंसोनेंट का मतलब समझाना है, और कंपाउंड कंसोनेंट का महत्व समझाने के बाद उनसे कबूलवाना है कि फिर भी आप साइंस, मैथ, एनवायरमेंट, सोशल साइंस या कोई और सब्जेक्ट आप संयुक्ताक्षर के बगैर भी कहानियां लिख के बच्चों की भाषा में उनकी कक्षा में आप उनको सुना सकते हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं। जोशी सर कुछ पूछ रहे थे सर, हम जी बोलिए सर। जोशी सर ने हाथ उठाया है। मैंने जैसा शुरू में कहा डॉक्टर भावेश की मुझे आज समझ में आया कि प्रधानमंत्री जी का भाषा पर कंट्रोल कितना अच्छा है और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने जो कहा कि आप शिक्षा व्यवस्था में, गुजरात की शिक्षा व्यवस्था में भाषा पर जोर देते हैं, 4 भाषाओं पे,
दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि भूटान जो है वो हैप्पी क्वेश्चन में, मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं, दूसरे क्वेश्चन नहीं, हैप्पी क्वेश्चन में वर्ल्ड में नंबर एक है। वहाँ के लोग सबसे खुश हैं, राइट। रजनीकांत शुक्ल जी ने ये कहा कि आप कश्मीर से, मैडम दिख रही है कि आप कश्मीर आइए, कश्मीर आपका स्वागत है। रजनीकांत शुक्ल जी कह रहे हैं कि आप दिल्ली में भी आके कुछ करिए। दिल्ली में हमारे जो शिक्षा मंत्री है, राज्य शिक्षा मंत्री, उन्होंने काफी कुछ काम करने की कोशिश की है, तो वो उसका अनुभव हम आपसे दोबारा कोई बात करेंगे, क्योंकि आज समय हमारा बहुत ज्यादा जाता जा रहा है। दिल्ली के लिए आपने, दिल्ली के आपके अनुभव कैसे रहे, क्या आपने दिल्ली सरकार के साथ कुछ काम किया या नहीं किया, मैं इस बारे में भी हम जानना चाहते थे, क्योंकि मैं भी दिल्ली के टीचर हर महीने सर दिल्ली के सर सर हर महीने दिल्ली के 100 टीचर, 150 टीचर, 150 टीचर IIM अहमदाबाद में आते थे, जिनको 7 दिन की तालीम दी जाती थी, और उस तालीम के दौरान उनको लीडरशिप, इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन स्किल, फाइलिंग, ऑफिस कीपिंग, वो सब उनको, और उसमें एक लेक्चर था ग्रासरूट इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन और स्कूल की समस्याएं और उनका समाधान, तो उस विषय के ऊपर मैं शायद 14 या 15 बार, यानी कि एक बार में 150 शिक्षक हूँ। दिल्ली के हर एक हेड टीचर से मैं जुड़ा हूँ, और उनमें से 50-100 तो ऐसे हैं जिनके आज भी मेरे लाइव कॉन्टेक्ट है उनसे, वो मुझे मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करते हैं। सर मेरा एक रूल्स है हमारे फाउंडेशन का कि आप मुझे सीधा मेल करो, कोई भी आपका सवाल होगा हम आपको 72 घंटे में जवाब देंगे। हो सकता है कि हमारा जवाब ऐसा हो कि अभी तक हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन हम आपको वो 72 घंटे में, यानी कि आपके मेल करने के 3 दिन के अंदर हम आपको बोल देंगे कि इसका जवाब ये है या अभी हमारे पास जवाब नहीं है, कृपया आप हमें कुछ दिन की मोहलत। आज तक हमने 190,000 सवाल इकट्ठे किए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ओनली फॉर ऑन बेस ऑफ एजुकेशन सर, ऑन प्राइमरी एजुकेशन ओनली 1,19,000 क्वेश्चन बाय टीचर, बाय पीपल, बाय स्टूडेंट, बाय बाय एनी पर्सन। लेकिन आपने माननीय प्रधानमंत्री को कुछ लिखा था, क्योंकि आज लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने वही शब्द कहे जो अभी आप कह रहे हैं कि भारतवासी यदि जब ठान लेते हैं तो करके रहते हैं, जब निश्चय कर लिया विश्वास है। नहीं सर, हमारे गुजरात में नहीं 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 उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा था कि जो अभी एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो अभी जाहिर हुई है, उसमें 5+3+3+ जो बात है, तो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय महोदय श्रीमान विजय रूपाणी सर ने मोकड़ा मने, यानी कि आप CM को कुछ भी पूछ सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं या सवाल के सुझाव दे सकते हैं। उसमें एजुकेशन की जब बारी आई थी तो मुझे मौका मिला था वहां पहुंचने का, और जब हम एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री के साथ हम बैठे थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन चीफ सेक्रेटरी थे, तब जब मुझे कुछ सजेस्ट करने का मौका मिला तो मैंने 3+3+3 गुजरात के लिए सजेस्ट किया था कि हम हमारी प्री स्कूल जो आंगनवाड़ी है उसको हम प्राइमरी में लेंगे, तो हमें लॉन्ग टर्म में हमें वो परिणाम मिलेगा। लेकिन सर उसका डॉक्यूमेंट भी है, वीडियो माहिती खाता ने उस टाइम पे वीडियो बनाया है, वो न्यूज में भी आया था, तो लेकिन मेरा है इसलिए नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि जो मैं सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए तो गुजरात में ऐसा, भारत में आगे ऐसा होगा, तो आज जो कमिटी ने रिपोर्ट दिया है, जो हमारे चेयरमैन सर हैं वो भी बहुत ज्ञानी पुरुष है, उनकी अध्यक्षता में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दी गई है, तो मुझे खुशी हुई कि वो इस बात को देखते हुए उन्होंने मुझसे भी आगे जाके 5+ मैं तो बाल मंदिर को सिर्फ एक गिनता था, उन्होंने बाल मंदिर के 3 सालों को महत्व देते हुए 5+3+3 किया है, तो मुझे खुशी है सर। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिसकी हमें
अपने आप में खुशी होती है। और ये बात है कि मैं खुश हूँ कि 5+3+3 की पॉलिसी नई शिक्षा नीति में है। मैं व्यक्तिगत रूप पे उसका, मैं मेरी गांव में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरी गमती निस्तार में हम वैसे कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारे, मैंने बोला कि सारे बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे टीचर जो दो है, हंसाबेन जोशी और संजय भाई पटेल, वो कई सालों से एक ही पैटर्न में अच्छा काम करते हैं। दूसरा, हम प्री स्कूल पे भी ज्यादा फोकस देते हैं कि प्री स्कूल में भी, तो इस आधार पे मैंने 3+3+3 बोला था। और मुझे खुशी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3 है। मैं बेहद खुश हूँ इस बात के ऊपर। सुगणा जी को भी बधाई, सुगणा जी को भी धन्यवाद जी, सुगणा जी को भी धन्यवाद। चलिए सर, हमारा समय शो का समाप्ति की ओर है और स्वामी जी को धन्यवाद और हमारे डॉक्टर पड़ो पांड्या नहीं, भावेश पांड्या जी, अभी देख नहीं रहे हैं वो, शायद नेटवर्क की फिर प्रॉब्लम हो गई वहां पर। चलिए पड़ो पांड्या जी धन्यवाद दीजिएगा सबकी तरफ से उनको। हाँ, मैं सबकी ओर से, सारे दर्शकों की ओर से, द टीचर्स हो गए जो लगातार इस शो में हमारे साथ बने रहते हैं तमाम अपनी व्यस्तताओं के बावजूद, सबका धन्यवाद है। सबकी ओर से धन्यवाद है डॉक्टर भावेश पांड्या जी को, और उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव काम किया है, बहुत कमाल का काम किया है, और इतनी सहजता से, सहृदयता से उन्होंने हमें गुजरात आमंत्रित किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि कभी गुजरात उनके काम को देख कर उससे सीखें कुछ जा करके, और शो में जो लोग भी देख रहे हैं उनको भी उन्होंने आमंत्रित किया है, जो पार्टिसिपेंट थे उनको तो किया ही है, जो शो को देख रहे हैं उन दर्शकों को भी उन्होंने गुजरात बुलाया, उन शिक्षकों को भी। तो हम कोशिश करेंगे कि कभी गुजरात जाएं हम कुछ दिनों के लिए, सब पूरी टीम जाए टीचर्सों की, और वहां जाकर भी कुछ सीखें। हम के स्वामी जी के आभारी हैं, और साथ में हमारे जो पहले के गेस्ट थे सर, जो चौक पर जिनकी कलाकारी थी, जयेश प्रजापति जी, वो भी लगातार कह रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं कि पहले गुजरात आइए, कश्मीर बाद में जाइए। कश्मीर से फरीदा शोक में हम बुला रहे हैं, ये हमारा शो बहुत भाग्यशाली है कि इतने हमारे दर्शक इतना प्रेम हम सबको दे रहे हैं, लगातार हमें आमंत्रित कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, अगर हम एक मिनट कुछ सेकंड और देखते हैं, अगर पांड्या जी जुड़ जाते हैं तो धन्यवाद उनको कह सके। कल शाम 7 बजे रोशन बलूनी प्रांजल जी हमारे साथ होंगे, वो कवि हैं हिंदी और गढ़वाली भाषा के, और उनसे हम बहुत अच्छे साहित्य को सुनने की उम्मीद रखते हैं। तो कल शाम 7 बजे हम फिर आपसे मिलेंगे। मुझे लगता है कि बहुगुणा जी का सर, बहुगुणा जी पता नहीं कहाँ है, भी नहीं देख रहे स्क्रीन पर वो, तो मैं बहुगुणा जी की ओर से भी और सबकी ओर से धन्यवाद देता हूँ पूरे शो की ओर से भावेश पांड्या जी को। पांड्या जी फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, शायद जुड़ रहे हैं ताकि हम उनको धन्यवाद दे सकें, आभार कह सके। बहुत ही अद्भुत उनका काम रहा सर, और हम सब जी मोहन चौहान जी का हाँ जी सर, आप जुड़ गए फिर से, धन्यवाद आपका सर, हम आपको धन्यवाद देने के लिए इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर भावेश आप सुन पा रहे हैं? मैं कहना चाहूँ, मैं आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, हमारा खुद का फाउंडेशन है और हम यही काम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करना, तो कुछ भी करना पड़ेगा उसमें से हम कर पाएंगे, इसलिए उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप प्यार से आइए। दूसरी बात कि मैं जो ये संस्था है, जो जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया है, और 15 अगस्त के इस दिन में उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, थोड़ा नेटकीय कारण है, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, सामने से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे बोलने का मौका दिया और आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं ऐसे लोगों को आज मिल पाया या सुन पाया जिनको सुनना कई साल पहले संभव हुआ था, और उनसे बातचीत करना, उनकी बातचीत में अपनी हार मानना या उनसे कुछ सवाल करना या उनसे जवाब प्राप्त करना अपने आप में एक अलग बात है, अलग।
फिर से चले गया सर, वो नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है, तो विदा लेते हैं सर। और पांडे जी जितने विनम्र हैं उतने ही जो है वो योग्य भी हैं, विनम्रता भी उनमें बहुत अधिक है, तो वो फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ आ गए सर। जी सर, अपनी बात पूरी करिए, पांडे सर बात पूरी कर लीजिए। तो सबका शुक्रिया अदा कर, जी जी जी, अब मैं सब सर आप सबका शुक्रिया सॉरी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं खुश हूँ कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया है और आप सबके साथ में आज जुड़ा हूँ। और मैं अगर कभी भी किसी भी शिक्षक मित्र को या किसी को भी मेरे लायक कुछ भी उनको लगे कि ये भावेश पंड्या कर सकता है, तो आप मुझे आदेश कीजिएगा, मेरा नंबर है, गूगल पे भी मिल जाएगा। और अगर क्या आपको पढ़ा गुमु क्या नहीं मालूम हो, तो अगर आपको कोई आवश्यकता है तो आप फोन कीजिएगा और मैं अवश्य आपसे बात करूंगा। अगर फोन नहीं लगता है तो आप मेल या मैसेज भी कर सकते हैं, और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके जो भी काम आपका जो भी काम है उसमें मैं सहयोग दे पाऊं और उसमें मैं जुड़ पाऊं। जी जोशी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, भवेश जी आपको और आपकी अर्धांगिनी सुगणा रूपल जी को बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, रूपल जी को हमारी ओर से भी धन्यवाद कहिएगा। सर रूपल जी को हमारी ओर से भी धन्यवाद कहिएगा कि उन्होंने आपको इतना अच्छा काम करने का अवसर दिया। मैं बोलूंगा उनको, आज जब ये वीडियो फेसबुक पे डालेंगे ना, उस टाइम पे जो आपने सूचित किया है उसका कट करके उनको दिखाऊंगा कि भाई उनको रूपल जी को भी धन्यवाद बोल दीजिएगा, तो मैं बोलूंगा और उनको सुनाऊंगा। जी सर, मैं इसका यूट्यूब लिंक भेजूंगा आपको। सर मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि मैंने मेरे बच्चों को कभी स्कूलिंग नहीं करवाया है, वो बाहर के उम्मीदवार के तौर पे वो एग्जाम देते हैं और पास हुए हैं, उनको कभी स्कूलिंग नहीं करवाया है। 12वीं का बोर्ड का एग्जाम उसने एक्स्ट्रा उम्मीदवार के तौर पे दिया था मेरी बच्ची ने, जो कि आज जर्नलिज्म में है। तो मैं सीखने के तरीकों में क्या क्या नया है, सिर्फ टेक्स्ट बुक तरीका नहीं है, बस वही सोच लेके मैं घूम रहा हूँ और आप जैसे साथियों के साथ मिल रहा हूँ। सिखाने के तरीके बहुत सारे हैं जो हम तय करेंगे। जी जी, फिर सर सरकार जन्म दिवस भी है, वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार जन्म दिवस है 15 अगस्त नहीं, है सर के लड़के का है, सर के सुपुत्र का है, हर्षित लड़के का है, तो वो तो सर है तो ही लड़का है ना, इसलिए हाँ मेरी बच्ची ने बताया था कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तेरा बाप हूँ, क्योंकि आप तब से मेरे बाप है जब से मैं आपकी पुत्री हूँ, तो बाप की सीनियोरिटी जितनी है बाप होने की उतनी ही पुत्री की सीनियोरिटी है। मैं बाप जब बना जब मेरी बच्ची आई, तो सीनियोरिटी के तहत कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, मैं 18 साल से बाप हूँ और वो 18 साल से लड़की है, तो वो लोकशाही है, हमारे घर में पूरी लोकशाही चलती है, सब लोग लोकशाही तरीके से ही रहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने सारे अच्छे अच्छे टिप्स हमको दिए और हम आपके पास आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। मैं आप सबको, जितने भी शिक्षक मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर भट्ट सर से नॉट ऑन मैप का जो 22 तारीख का जो जो जोशी सर आपसे भी अनुरोध है और जो भी साथी सुन रहे हैं कि 22 अगस्त का जो शेड्यूल है उसमें वो जुड़े, उसको देखे, भारत के कल्चर के लिए जो मैप में नहीं है वैसी चीजें वहां पे दिखाई देगी, और उसका लॉन्चिंग है, वो एक अभियान है, कब खत्म होगा मालूम नहीं लेकिन शुरू हो रहा है 20 अगस्त 2020 को, इसलिए 20 राज्य की 20 आइटम को स्पेशली एक्सपोज किया जाएगा जो कल्चरर होंगी।
बाकी की भी राज्य की है लेकिन एक खास बात है, तो आप सब जुड़िए उसमें। अपूर्वा जी हैं, सचिन सर हैं, अनुभव जी हैं, ऐश्वर्या है और डॉक्टर भट्ट हैं, जोशी सर हैं, आप सबका है, नॉट ऑन मैप किसी का नहीं है। जैसे हिंदुस्तान हम सबका है फिर भी किसी का नहीं है, वैसे नॉट ऑन मैप भी हम सबका है और किसी का नहीं है, क्योंकि हम सबसे ही वो बढ़ेगी। मैं फिर से कहा हूँ कि वर्ल्ड बुक तब छपेगी जब हम जैसे लोग कुछ नया करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। नॉट ऑन मैप को आपके सहयोग की आवश्यकता है। ठीक जी सर, नॉट ऑन मैप को आपके सहयोग। हाजी, आप भी कोशिश करिएगा रोज शाम 7 बजे तक टीचर शो में आकर के हमारा उत्साह बढ़ा सके तो हमें अच्छा लगेगा। हमारे नए मेहमान आपके बाद भी आते रहेंगे शो में, अलग अलग विधाओं के, कहीं संगीत से, कहीं साहित्य से, कहीं क्राफ्ट से, कहीं आर्ट से, अलग अलग विधाओं से, कोई इनोवेशन से। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप आते रहिएगा सर। आज के लिए इतना ही, सबको पुनः धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि। धन्यवाद, शुभरात्रि, थैंक यू।